लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेंट्रल सेल्स टैक्स देखा, दो लेक्चर्स ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स समझेंगे कि आगे जब हम उन टर्म्स को यूज़ करेंगे तो ये प्रॉब्लम ना आए कि आखिर उन टर्म्स की मीनिंग क्या है। सबसे पहले जो पहला टर्म आपका आएगा, दैट इज गिवन इन योर स्टडी मटेरियल पेज नंबर 1.107। स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 1.107 पे दिया हुआ है देखें तो सबसे टॉप पर लिखा हुआ है पेनल्टीमेट सेल्स। लिखा हुआ है ये वर्ड अब कई बार यूज होगा आज के लेक्चर में, ये वर्ड कई बार यूज होगा और बार बार डाउट करेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनल्टीमेट सेल्स। तो पेनल्टीमेट सेल्स का मतलब है जस्ट बिफोर द लास्ट वन सेल्स, लिख लें कहीं पर जस्ट बिफोर द लास्ट वन सेल्स। पेनल्टीमेट सेल्स का मतलब है जस्ट बिफोर द लास्ट वन सेल्स। जस्ट बिफोर द लास्ट वन सेल्स, हम जो अल्टीमेट सेल कर रहे हैं उसके जस्ट पहले की प्रीसीडिंग सेल्स, उसके जस्ट पहले की सेल्स यानी लास्ट सेल के पहले वाली सेल, उसको हम कहते हैं पेनल्टीमेट सेल्स। क्या बोलेंगे? पेनल्टीमेट सेल्स। क्लियर है? पक्की बात है? एक और वर्ड यूज होगा जो कहलाता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, और ये दिया हुआ है पेज नंबर 1.98 में। पेनल्टीमेट सेल्स का मतलब मैंने बताया जस्ट बिफोर द लास्ट वन सेल्स, जो सेल अब हो रही है उसकी पेनल्टीमेट सेल्स क्या होगी? उसके पहले वाली सेल्स। क्लियर है? जो आज लास्ट सेल हो रही है इसके जस्ट पहले वाली सेल जो हुई थी वो पेनल्टीमेट सेल्स कहलाएगी। क्लियर है? पक्की बात है? जस्ट बिफोर द लास्ट वन। एक और वर्ड यूज होगा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल्स, मैंने इसका हिंदी लास्ट टाइम भी बताया था स्वामित्व के पेपर। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल्स क्या होते हैं इस सेंट्रल सेल्स टैक्स के पर्पस से, और ये एक चार्ट बना हुआ है, सामने दिख रहा होगा, ये चार्ट दिख रहा है, ये है डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल सीएसटी के पर्पस से, ये वाला। अगर आप सामान बाई रोड भेजते हैं, ट्रांसपोर्ट बाई रोड, तो लॉरी रिसीट क्या है? लिखा है लॉरी रिसीट, ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है। क्या होता है? अभी मैं बता रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। बगल में देखें ट्रांसपोर्ट बाई रेल, रेलवे रिसीट, क्या कहते हैं इसको? रेलवे रिसीट कहते हैं। अगर हमने रेल के थ्रू सामान भेजा है तो रेलवे रिसीट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ट्रांसपोर्ट ट्रक वगैरह से भेजा है तो लॉरी रिसीट, और अगर समुद्र से भेजा है ट्रांसपोर्ट बाय सी तो बिल ऑफ लेडिंग, एंड द एयरवे अगर है ट्रांसपोर्ट बाय एयर तो एयरवे बिल, ट्रेन से भेजेंगे तो रेलवे रिसीट, हवाई जहाज से भेजेंगे एयर से तो एयरवेज रिसीट या एयरवे बिल, और अगर समुद्र से भेजेंगे तो बिल ऑफ लेडिंग, और अगर रोड से भेजेंगे तो लॉरी रिसीट। देखो कहते हो ना लॉरी जा रही है तो लॉरी रिसीट, रेल से जा रहा है तो रेलवे रिसीट, एयर से जा रहा है तो एयरवे बिल या एयरवे रिसीट, और अगर समुद्र से जा रहा है तो बिल ऑफ लेडिंग। क्लियर है? बोलो भाई, ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हैं और ये होते क्या हैं? मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड इज जनरली अ लॉरी रिसीट, रेलवे रिसीट, बिल ऑफ लेडिंग एंड एयरवे बिल, दैट्स इट। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द गुड सब्सटेंशिएट्स दैट द पर्सन होल्डिंग द डॉक्यूमेंट हैज द टाइटल टू द गुड्स मेंशन्ड इन द डॉक्यूमेंट,
इस डॉक्यूमेंट में जिस बंदे का नाम लिखा हुआ है वो बंदा ही इसका मालिक है और वही इसको लेने आएगा। मतलब वो खुद ना आए, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज दे, मतलब उसी का एक अधिकार है। अगर मेरा सामान आया हुआ है रेलवे डिपार्टमेंट में तो मैं जाऊं जरूरी नहीं, मेरा कोई बंदा जा सकता है उस डॉक्यूमेंट को लेकर के। क्लियर है? जिसको हम लोग कहते हैं बिल्टी, कई लोग जानते होंगे उसको बिल्टी के नाम से। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द गुड सब्सटेंशिएट दैट द पर्सन होल्डिंग द डॉक्यूमेंट, जो बंदा होल्ड किया हुआ है ये डॉक्यूमेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट, चाहे वो लॉरी रिसीट कह लो, चाहे बिल ऑफ लेडिंग कह लो, चाहे रेलवे रिसीट कर लो, चाहे एयरवेज बिल कह लो, इन डॉक्यूमेंट्स को जो बंदा होल्ड किया हुआ है, द पर्सन होल्डिंग द डॉक्यूमेंट हैज द टाइटल टू द गुड्स, उसका उस सामान पर मालिकाना हक है। ये शो करता है कौन? ये शो करता है कौन? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एक तरह से आपकी ओनरशिप को बताता है उस सामान पर। क्या बताता है? ओनरशिप को बताता है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल टू द गुड्स मीन्स, वर्ड जरा ढंग से देखेंगे, ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफ पोजेशन ऑफ सच गुड्स और कंट्रोल ओवर सच गुड, दस अ पर्सन इन हुज नेम द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स इज इंडोर्स्ड। अंडरलाइन कर लो इंडोर्स्ड। अगर बिल इसके नाम बना है तो ये जाएगा उसको छुड़ाने के लिए, इसका रिप्रेजेंटेटिव जाएगा क्योंकि इसका ओनरशिप है उस सामान पर। लेकिन अगर उस इसने वही डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को इंडोर्स कर दिया बगल वाले के नाम से, तो अब मालिक ये नहीं रहा, मालिक बगल वाला हो गया जिसके नाम से उसने इंडोर्स कर दिया है। यानी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कैन बी इंडोर्स्ड इजीली, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कैन बी इंडोर्स्ड। अब समझ में आई बात? हाँ या ना? अब दिक्कत नहीं होगी आगे जब हम पढ़ेंगे तो तुम लोग को ये समझने में दिक्कत नहीं आएगी कि सर आप बार बार डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बोल रहे हैं तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब क्या है, आप पेनल्टीमेट सेल्स बोल रहे हैं तो पेनल्टीमेट सेल्स का मतलब क्या है, अब ये दिक्कत नहीं आने वाली। दस अ पर्सन इन हुज नेम द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स इज इंडोर्स वुड बी इंटाइटल टू द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, दैट्स इट। हम लोग को जो समझना था इन दो टर्म्स के बारे में वो हम लोगों ने समझ लिया। एक और टर्म्स बचता है, उसको भी जरा देख लेते हैं। पेज नंबर 1.109, पेज नंबर 1.109, कस्टम फ्रंटियर। सामान सुने, दिल्ली से सामान राजस्थान को जा रहा है, हम कब मानेंगे कि मूवमेंट हो गया? जब यहां दिल्ली पोर्ट पर था, यहां दिल्ली की रेलवे डिपार्टमेंट में पहुंचा, बंदा आया मेरी ऑफिस, ये मेरी ऑफिस है, उसने कहा हमको ये सामान चाहिए, मैंने कहा ठीक है तू जा पैसा दे दे मैं भिजवा दूंगा राजस्थान। अब ये सामान मूव कर रहा है रेलवे की ओर, दिल्ली रेलवे स्टेशन, क्या यहां से सामान निकलने का मतलब मूवमेंट हो गया या नहीं? हो गया या नहीं? वही चीज समझानी, यहां पर सामान रेलवे पर पहुंच गया मूवमेंट हो गया या नहीं, कि जब तक इस बंदे की ऑफिस पे ना पहुंच जाए तब तक मूवमेंट नहीं हुआ? हमें ये बात समझनी है, हमें यही बात समझनी है। सबसे पहले तो हम कस्टम फ्रंटियर को समझ लेते हैं। कहोगे सर कस्टम तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में लगता है, पहले इसी को समझ लेते हैं जो हमको थोड़ा आसानी दे देगा। ये तो हमने कोर्स इन सेल इन कोर्स ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की डेफिनेशन से निकाला है, बाद में आएगा वहाँ, उसके डेफिनेशन से निकाला है। ये एक देश से दूसरे देश में सामान भेजना और दूसरे देश से पहले देश में सामान आना, उसको बताएगा कस्टम फ्रंटियर को। क्लियर? जब हम ये समझ लेंगे तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा मूवमेंट समझना, कि मूवमेंट कहते किसको है। मीनिंग ऑफ क्रॉसिंग द कस्टम फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया। Crossing the custom frontiers of India means crossing the limits of the area of the custom station. Custom station की limits को cross कर जाना। लेकिन जब हम इस meaning को इस sense में पढ़ेंगे तो तुम लोग
सी या एयर की भी लिमिट्स को भी ध्यान में रखोगे? हम ऐसा नहीं रखेंगे, हम जैसे ही ये सामान यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, मूवमेंट स्टार्ट, और जैसे ही सामान यहाँ पहुँचा, मूवमेंट टर्मिनेट, जैसे ही ये सामान स्टेशन से निकला, मूवमेंट स्टार्ट बिगनिंग, और जैसे ही सामान राजस्थान के या दूसरे देश के स्टेशन पर पहुंचा, मूवमेंट टर्मिनेट। क्लियर? अब जरा इसको पढ़ते हैं फिर से। अब एक देश से दूसरे देश की बात हो रही है, ध्यान देना। क्रॉसिंग द कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया मीन्स क्रॉसिंग द लिमिट्स ऑफ द एरिया ऑफ अ कस्टम स्टेशन इन विच इंपोर्टेड और एक्सपोर्ट गुड्स आर ऑर्डिनरली केप्ट बिफोर क्लियरेंस बाय कस्टम अथॉरिटीज। वही तो बोला है, जहां पर ऐसा सामान रखा जाता है मूवमेंट के लिए, जहां पर ऐसा सामान रखा जाता है मूवमेंट के लिए। क्लियर? आते हैं वापस जहां हम लोग थे। अब एक एक चीज करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो चीज छूटी हुई है। डीलर के बाद, डीलर की डेफिनेशन लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखी थी, आज देखेंगे सेल्स टैक्स लॉ, पेज नंबर 1.92। नॉर्मल सेल्स टैक्स तो हम लोगों ने देख लिया, सेल्स टैक्स लॉ जब हम फर्स्ट क्लास लिए थे उसी समय बता दिया था कि हमको एक्ट भी देखना है और रूल्स भी देखने हैं, रूल्स 1957 और एक्ट 1956, याद होगा। रूल्स में था सेंट्रल सेल्स टैक्स रूल्स 1957, रजिस्ट्रेशन, टर्नओवर एंड रजिस्ट्रेशन, याद आया। ये वही सेल्स टैक्स लॉ है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। नीचे देखिए लिखा हुआ है, एक्सेप्शंस टू लेवी ऑफ सेंट्रल सेल्स टैक्स। कोई भी सीएसटी तब चार्ज होता है जब सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट को मूव करता है, जब परचेज और सेल इंटर स्टेट ट्रेड या कॉमर्स में आए, जब कोई परचेज या सेल इंटर स्टेट ट्रेड या कॉमर्स की डेफिनेशन में आएगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, सेंट्रल सेल्स टैक्स को चार्ज किया जाएगा। पक्की बात है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं कि जब वो सीएसटी चार्ज ही नहीं होगा। क्यों भाई? आप एक स्टेट से सामान दूसरे स्टेट में भेज रहे हो, आप एक सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेज रहे हो, सीएसटी नहीं चार्ज करोगे? इन केसेस में नहीं करेंगे। एक्सेप्शंस टू द सीएसटी, अब तक हम जानते थे सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करेगा, आप सीएसटी चार्ज करोगे, लेकिन अब नहीं करोगे। पहला एक्सेप्शन है, नो सीएसटी ऑन पेनल्टीमेट सेल्स फॉर एक्सपोर्ट। ओके, इधर देखें, अगर सामान दिल्ली से राजस्थान को जा रहा है और ये सामान तय है कि राजस्थान से यूएस को जाएगा, विदेश, तो पेनल्टीमेट सेल्स जस्ट बिफोर द लास्ट वन सेल्स, इस सेल के जस्ट पहले की सेल, इस सेल के जस्ट पहले की सेल, जस्ट बिफोर द लास्ट वन सेल मैंने लिखवाया है। तो अगर ये तय है कि राजस्थान का बंदा ये सामान सेल करेगा यूएस के किसी बंदे को, यहां से सामान भेजेगा एक्सपोर्ट के लिए, यहां से सामान क्या करेगा, एक्सपोर्ट के लिए भेजेगा, ये डीटीए में नहीं रहेगा, डीटीए का मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी एरिया, डीटीए में नहीं रहेगा, इंडिया में नहीं रहेगा सामान, ये कहां जाएगा, फॉरेन में जाएगा, विदेश में जाएगा। तो क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर सीएसटी लगता है? क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर सीएसटी लगाओगे? सीएसटी तो लगता है इंटर स्टेट ट्रेड पर, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर सीएसटी नहीं लगता। एक ही स्टेट में सामान खरीदने और बेचने पर सीएसटी नहीं लगता। सामान को एक ही स्टेट में आप खरीदो बेचो, वहां स्टेट वैट लगता है। सामान जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, विद इन कंट्री रहे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो सीएसटी लगता है।
सीएसटी तब नहीं लगेगा जब सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाए या दूसरी कंट्री से पहले कंट्री में आए, वहां सीएसटी नहीं लगेगा। सीएसटी कब लगेगा? जब वो इंटर स्टेट ट्रेड होगा। यहां पर इंटर स्टेट ट्रेड है या नहीं है? इंटर स्टेट ट्रेड होने के बावजूद इस सेल को माफ किया गया है, क्योंकि इस बंदे के पास, ढंग से सुनना, इस बंदे के पास एक्सपोर्ट का ऑर्डर मौजूद है और ये तय है कि ये इस सामान को अपने यहाँ खरीदेगा और सामान को उसी फॉर्म में, ढंग से सुनना, सामान को सेम फॉर्म में विदेश में भेजेगा, यानी चेंजेस और अल्टरेशन नहीं करेगा, कोई प्रोसेसिंग नहीं करेगा। अब बात समझ में आई? कोई उसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज ऐड नहीं करेगा। बात समझ में आई? फिर से बताएं, नो सीएसटी ऑन पिनल्टीमेट सेल्स, नो सीएसटी ऑन पिनल्टीमेट सेल्स फॉर एक्सपोर्ट। पिनल्टीमेट सेल्स फॉर एक्सपोर्ट ये है, लास्ट सेल के जस्ट पहले वाली सेल्स, नो सीएसटी ऑन पिनल्टीमेट सेल्स फॉर एक्सपोर्ट। अब क्लियर है? पक्की बात है, बशर्ते कि इस बंदे के पास पहले से ही एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हो गया है विदेशी के साथ, विदेश के साथ, कि हम आपको सामान सेल करेंगे और उसी सामान को इसने यहाँ से क्या किया है, परचेज किया है, तो इस सेल पर हम कोई सीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। हमने कोई सामान मंगवाया, चलो यॉर्न मंगवाया, और उस यॉर्न को मैंने यहाँ थोड़ा सॉर्टिंग की, क्योंकि विदेश में सामान जा रहा है तो साफ सुथरा सामान जाए ना, ऐसा थोड़ी कि गंदा आया गंदा ही भेज दो। हमने उसमें थोड़ी सफाई की या धुलाई की, धुनाई नहीं की, धुलाई की, और उसको भेजा, तो धुलाई करने में या धुनाई करने में थोड़ा सा कचरा निकलेगा, खराब सामान आएगा, या खाने लायक सामान या यूज़ करने लायक सामान मैंने भेजा और कुछ सामान रोक लिया जो उसको काट छाट करके मैंने रखा। बताओ क्या ये सही तरीका है? है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने सामान को तो उसी फॉर्म में भेजा जिस फॉर्म में आया था। हाँ, सामान को केवल सेल करने लायक सिचुएशन में बनाने के लिए मैंने उसमें कुछ सॉर्टिंग की, जो खराब हो गया था सामान उसको अलग किया या उसको सही किया तब भेजा। अब क्लियर है? सामान तो उसी फॉर्म में, सामान तो उसी फॉर्म में है जिस सामान, जिस फॉर्म में मैंने सामान खरीदा था। तो नो सीएसटी ऑन पेनल्टीमेट सेल्स फॉर एक्सपोर्ट। नेक्स्ट देखें, नो सीएसटी ऑन सबसिक्वेंट सेल्स। अब तक मैंने आपको पेनल्टीमेट सेल्स बताया था, देखो तो उसका मीनिंग काम आया। अब यहां कौन सा मीनिंग काम आएगा? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, अब उसकी मीनिंग यहां काम आएगी। नो सीएसटी ऑन सब्सिक्वेंट सेल्स, अगर सुन लें, सामान यहां से यहां के लिए निकला, सामान यहां से यहां के लिए निकला, मैंने ये सामान एक्स से वाई को भेजा, जा रहा है सामान, लेकिन वाई ने ये सामान सेल कर दिया जेड को, ये दिल्ली में, ये कहां पे है? सामान तो यहां से यहां तक के लिए निकला था, लेकिन सामान मैंने किसको सेल करवा दिया? दिल्ली। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। किसके थ्रू? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के थ्रू। किसके थ्रू? मैंने वो पेपर्स इंडोर्स कर दिए, देख तू मेरे को सामान भेज रहा है, तू मेरे को मत भेज, इधर भेज दे, इसने ये सामान किसको भेज दिया? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के थ्रू भी हम लोग सामान ट्रांसफर कर सकते हैं। और जब मूवमेंट, वर्ड ढंग से सुनना, बहुत कंफ्यूज करेगा जब तुम लोग आगे पढ़ोगे, आज से 10 दिन बाद 15 दिन बाद इस चैप्टर को, वर्ड में बता रहा हूँ, जब मूवमेंट हो रहा है सामान का, मैंने कहा ना मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ टर्मिनेट होता है, बोला ना मैंने, ये मूवमेंट का ड्यूरेशन है,
और अगर इस मोमेंट के ड्यूरेशन में सामान कहीं सेल हो जाता है इंटर स्टेट में दूसरे बंदे को, तो इसको हम सबसेक्वेंट सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड ढंग समझ में आया? हम क्या बोलेंगे इसको? सबसेक्वेंट यानी कि उसके बाद वाली सेल, परवर्ती। सबसेक्वेंट का मतलब होता है परवर्ती, यानी उसके बाद वाली सेल्स। मेन सेल तो इधर हुई थी, लेकिन इस बंदे ने डिलीवरी लेने के पहले ही, मोमेंट के टर्मिनेट होने के पहले ही ये सेल किसको कर दिया? जेड को। अब ये सामान यहाँ गया या यहाँ से तुरंत गया, लेकिन इसी ड्यूरे मूवमेंट के दौरान, इसी मूवमेंट के दौरान ये फिक्स हो गया था सामान उधर जाएगा। अब क्लियर है? तो इस पर, इस ट्रांजैक्शन पर कोई सीएसटी नहीं लगेगा, एक ट्रांजैक्शन पर लगेगा। किस पर लगेगा मैं बता रहा हूँ। क्लियर है? पक्की बात है। मूवमेंट के दौरान ऐसा ट्रांसफर होना चाहिए। किसके थ्रू? किसके थ्रू? किसके थ्रू? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के थ्रू। क्लियर है? जरा देखें, नो सीएसटी ऑन सब्सिक्वेंट सेल्स वेयर अ सेल ऑफ एनी गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। वेयर अ सेल इज इन द इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, इधर हैज ईदर ओकेजंड द मूवमेंट, या तो उसका मूवमेंट स्टार्ट हो गया हो, हैज ईदर ओकेजंड द मूवमेंट ऑफ सच गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, और हैज बीन अफेक्टेड बाई अ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू सच गुड्स ड्यूरिंग देयर मूवमेंट। अंडरलाइन कर लें, ड्यूरिंग देयर मूवमेंट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एनी सब्सिक्वेंट सेल ड्यूरिंग सच मूवमेंट अफेक्टेड बाई अ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू सच गुड्स टू अ रजिस्टर्ड डीलर। ये कौन होना चाहिए? ये रजिस्टर्ड डीलर होना चाहिए। ये कौन होना चाहिए? ये रजिस्टर्ड डीलर होना चाहिए। जेड, इफ द गुड्स आर ऑफ डिस्क्रिप्शन रेफर टू इन सेक्शन, छोड़ दें, शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस एक्ट। तो क्या माना जाएगा? इधर देखें, पहले छोड़ दें कॉपी। ये मूवमेंट हो रहा था, सामान मैंने यहां से डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के थ्रू राजस्थान वाले ने किसको भेजवा दिया? दिल्ली। तो अब इस पर तो सीएसटी लग चुका था, इस पर तो सीएसटी चार्ज होकर के यहां से सामान निकला होगा ना, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल पर, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल पर सामान पर तो सीएसटी चार्ज होकर के निकला होगा, फिर क्या सीएसटी लगाओगे? मूवमेंट तो अभी वहीं हो रहा है, इंटरस्टेट ट्रेड का फर्स्ट मूवमेंट है, कोई सीएसटी नहीं लगेगा सबसिक्वेंट सेल्स पर। सबसिक्वेंट सेल्स क्या है? यहां सामान यहां से जा रहा था, यहां से मुड़ गया। अब क्लियर है? बोलो। दिल्ली से राजस्थान की ओर जा रहा था, ठीक, उस पर तो सीएसटी लग चुका। बोलते क्यों नहीं? वो इंटरस्टेट ट्रेड है, किसको मालूम था कि वो सामान सबसिक्वेंट सेल्स में चला जाएगा? उसने ये सामान मुड़वा दिया कहां पे? दिल्ली की ओर। ये माफ है, क्योंकि है तो एक ही मूवमेंट ना, फर्स्ट टाइम मूवमेंट कर रहा है ना, क्या कर रहा है? बात कर रहा। तो ड्यूरिंग सच मूवमेंट आपने अपने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर कर दिए किसी दूसरे को, तो वो सबसिक्वेंट सेल क्या मानी जाएगी? माफ मानी जाएगी। देखें जरा, एग्जाम्पल नंबर वन है, इधर देखें, ये पेज नंबर है आपका 1.94। इसमें साफ साफ स्टेप वाइज लिखा हुआ है। देखें, स्टेप वन ये है, ये स्टेप वन गोले में लिखा हुआ है, सर्किल में, स्टेप टू, स्टेप थ्री। तो जैसे स्टेप लिखा है वैसे ही हमको स्टडी भी करनी है। स्टेप वन में लिखा है कि गुजरात वाले ने, मैं फिर से देखता हूँ, इधर देखें, मैं इसको बनाता हूँ ऐसे ही, क्यों हंस रहे हो भाई? ये गुजरात है, ये हरियाणा है, बिहार है और ओडिशा है। ढंग से देखना, स्टेप वन में ऊपर कहानी पढ़ते हैं। ए ऑफ गुजरात सेल्स द गुड्स टू बी ऑफ हरियाणा, इसने इसको सामान बेचा। ए ने किसको सामान बेचा? लिखा हुआ है ना,
ए ऑफ गुजरात सेल्स द गुड्स टू बी ऑफ हरियाणा एज पर द कॉन्ट्रैक्ट ए वॉज रिक्वायर्ड टू डिलीवर द गुड्स टू इन गुड्स इन उड़ीसा। अब ए को पहले से ही बोला गया था कि सामान हमको नहीं भेजना है, बी ने पहले ही ए को बोल दिया था कि सामान कहाँ जाना है, उड़ीसा जाना है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट क्या लिखा है, और ए वॉज रिक्वायर्ड टू डिलीवर द गुड्स इन उड़ीसा। फॉर दिस पर्पज ए डिस्पैच द गुड्स फ्रॉम गुजरात टू उड़ीसा। अब गुजरात से उड़ीसा के लिए चल चुका सामान, गुजरात से उड़ीसा। फॉर दिस पर्पज ए डिस्पैच द गुड्स फ्रॉम गुजरात टू उड़ीसा ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द गुड्स। बी सेल्स द गुड्स बाई ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स टू सी ऑफ बिहार। जब ये सामान यहाँ से यहाँ जा रहा था तो बी ने ये बिहार के सी को सामान बेच दिया मूवमेंट के दौरान, ड्यूरिंग सच मूवमेंट, वर्ड लिखा है अंडरलाइन कर लें, ड्यूरिंग द मूवमेंट अंडरलाइन कर लें, ड्यूरिंग द मूवमेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल के थ्रू ट्रांसफर कर दिया। और हु इन टर्न सेल्स देम टू डी ऑफ उड़ीसा ड्यूरिंग सच मूवमेंट। और जब तक इसके यहाँ मूवमेंट हो रहा था इसने ये सामान सेल कर दिया डी को उड़ीसा के। क्लियर है। डी अल्टीमेट टेक्स द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, हियर ऑल द फोर डीलर्स आर द रजिस्टर्ड डीलर। मानना पड़ेगा क्योंकि मैंने पहले ही बताया रजिस्टर्ड डीलर होने चाहिए, ए बी सी डी सारे के सारे डीलर क्या होंगे, रजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड डीलर को आप मूवमेंट के थ्रू ट्रांसफर नहीं कर सकते डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के थ्रू। अब होगा क्या, ये इसको ई फॉर्म देगा, क्या देगा, और ये इससे क्या लेगा, सी फॉर्म लेगा। देखें जरा, है ना, है कि नहीं। ए बी को कौन सा फॉर्म देगा, ई, और ये कहेगा सी, पक्की बात। ये इसको ई टू फॉर्म देगा और ये वापस इसको सी फॉर्म देगा, पक्की बात है। ये इसको ई टू फॉर्म देगा, क्या देगा, और ये इसको सी फॉर्म देगा। बोलने दो, बोलने दो, धीरे धीरे हम भाग नहीं रहे, अभी पूरी तरह समझाएंगे ई फॉर्म क्या होता है, सी फॉर्म क्या होता है। ये समझ में आया प्रोसेस, यहाँ से सामान निकला, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था बी का कि गुजरात से सामान जाएगा उड़ीसा। सामान यहाँ से यहाँ तक जाता तब तक इसने सामान सेल कर दिया बिहार में, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल के पीछे इंडोर्स कर दिया सामान इधर जाएगा, सामान यहाँ से मूव कर गया यहाँ। उसके बाद जब तक इसके यहाँ सामान पहुँचे पहुँचे उसी मूवमेंट के दौरान इसने इसको ट्रांसफ़र कर दिया उड़ीसा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में इंडोर्स करके। सारे के सारे डीलर जो हैं रजिस्टर्ड डीलर हैं, सारे के सारे डीलर क्या है, डीलर की डेफिनेशन बताई थी मैंने, गवर्नमेंट भी आती है सब बताया था, एच यू एफ फर्म ए ओ पी बी ओ आई सारी चीज़ें बताई थी, ऑक्शनर भी आता है, एजेंट भी आता है, याद होगा सब। गुजरात ने हरियाणा को जब मूव किया तो उसी मूवमेंट के दौरान हरियाणा से सामान सेल हो गया बिहार में, और जब तक बिहार में मूवमेंट हो रहा है पहुँच रहा है तब तक सामान सेल हो गया उड़ीसा में। अब इसके लिए यहाँ टैक्सेबल तो हो गया था, अब ये टैक्सेबल नहीं होगा और ये टैक्सेबल नहीं होगा। देखिए साफ साफ लिखा है, पहली सेल जो थी वो टैक्सेबल थी, बाकी दोनों सेल मूवमेंट के दौरान ट्रांसफर हुई हैं जिसको हम कहते हैं सब्सिक्वेंट सेल्स, वो नो सीएसटी ऑन सब्सिक्वेंट सेल्स, अभी पढ़ाया। तो ये एक्सेप्शन है, ये क्या है, एक्सेप्शन। तो ये टैक्सेबल है सेल, सीएसटी लगेगा, यहां पर नो सीएसटी और यहां पर नो सीएसटी। सही, ठीक। ये ई वन और ई टू फॉर्म क्या है और सी फॉर्म क्या है, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान बेचते हैं तो आपको सी फॉर्म लेना पड़ता है, जब आप इंटर स्टेट ट्रेड करते हैं तो आपको सी फॉर्म लेना पड़ता है, जब आप इंटर स्टेट ट्रेड करते हैं तो आपको सी फॉर्म लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है, ताकि इस स्टेट की जानकारी यहाँ की सेल्स टैक्स अथॉरिटी को हो सके, किस स्टेट से वो आया है, टैक्स रेट्स जानने के लिए, क्या जानने के लिए, सामान कहाँ पर सेल किया गया, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने टैक्स रेट तो पढ़े ही नहीं है, टैक्स रेट क्या होता है नहीं पढ़ा है अभी तक फिलहाल, है कि नहीं।
मैंने 5% का टैक्स रेट बताया था, लेकिन किस केस में बताया था? गुड्स फॉर स्पेशल इम्पोर्टेंस या स्पेशल डिक्लेयर्ड गुड्स, याद होगा वो उस केस में बताया था। तो 5% मैंने कोई रेट बताया थोड़ी है, CST के रेट्स के बारे में तो मैंने अभी कोई डिटेल बताई नहीं है। जब डिटेल बताएंगे तो सी और ई के बारे में भी बताएंगे। फिलहाल ये चीज़ समझ में आई, ये चार्ट समझ में आया नहीं आया? नो CST ऑन सब्सिक्वेंट सेल्स, दो चीज़ें बताई, नो CST ऑन पेनल्टीमेट सेल्स फॉर एक्सपोर्ट, और दूसरा इम्पोर्ट नहीं है एक्सपोर्ट है, दूसरा नो CST ऑन सब्सिक्वेंट सेल्स। एग्जाम्पल नंबर टू देखा जाए, एग्जाम्पल नंबर टू देखा जाए, अगर ये सामान सुन लो इधर से इधर गया और इधर से इधर गया अनरजिस्टर्ड बंदे को, किसको किसको? मैंने अभी इसके पहले वाले एग्जाम्पल में माना था कि चारों बंदे क्या हैं, रजिस्टर्ड डीलर हैं, लेकिन अगर इसने मूवमेंट अनरजिस्टर्ड को कर दिया बेटा तो माफ नहीं होगा, ये वाला भी हिस्सा टैक्सेबल हो जाएगा, इंटर स्टेट ट्रेड या कॉमर्स में आ जाएगा। देखें वही लिखा है इसमें, क्लियर पक्का? कोई डाउट हो तो देख लें। एग्जाम्पल में पढ़ता हूं, राम ऑफ गुजरात सेल्स द गुड्स टू बाबू ऑफ हरियाणा, जो रजिस्टर्ड है, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट राम वॉज रिक्वायर्ड टू डिलीवर द गुड्स इन बिहार। ओके, फॉर दिस पर्पज राम डिस्पैच द गुड्स फ्रॉम गुजरात टू बिहार, डायरेक्ट बिहार में भेज दिया, एंड ऑप्टेन सी फॉर्म फ्रॉम बाबू, लेकिन एक्चुअली सामान बिहार में तो गया है, लेकिन किसको दिया गया है? हरियाणा के बाबू को। ओनरशिप किसकी है? हरियाणा, हरियाणा की है, क्योंकि सामान किसने खरीदा है? राम ऑफ गुजरात सेल्स द गुड्स टू बाबू ऑफ हरियाणा, वर्ड लिखा है, हरियाणा के बाबू को भेजा है, बेचा है, हरियाणा के बाबू को बेचा है, अ रजिस्टर्ड डीलर, उसके नाम से गया है, तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल किसके नाम से होगा? बाबू के नाम से होगा। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट राम वॉज रिक्वायर्ड टू डिलीवर द गुड्स इन बिहार, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सामान वो भेजेगा, तुम जहां कहो हम सामान भेज दें, मैंने सामान तुमको बेच दिया, बताओ कहां पहुंचाना है, बोलते हो ना? अब मैं सिटी के बीच में हूं, मैंने पिज्जा वाले को फोन किया, पिज्जा चाहिए, तो पूछता है ना कहां, पूछता है ना, अब मैंने पेमेंट कहां से किया, तुम रसीद हमको यहां दो, पिज्जा घर पहुंचाओ, ऐसा थोड़ी जहां जहां हम जाएंगे पिज्जा लेकर दौड़ोगे, तो वो वही चीज़ है। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट राम वॉज रिक्वायर्ड टू डिलीवर द गुड्स इन बिहार, मैंने सेलर को कहा सामान तुमको कहाँ पहुँचाना है? बिहार में, जबकि उसने सेल किसके नाम से किया था? हरियाणा के बाबू को। फॉर दिस पर्पज राम डिस्पैच द गुड्स फ्रॉम गुजरात टू बिहार एंड ऑप्टेन्स अ सी फ्रॉम बाबू, बाबू से उसको फॉर्म सी मिला, क्योंकि जो खरीदता है वो बी देता है, फॉर्म सी देता है। ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स बाबू सेल द गुड्स बाय ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स, ऐसी बात है, जब मूवमेंट हो रहा था तुरंत बाबू ने दिखा दिया कि हम सामान कहाँ भेज दे रहे हैं, बिहार, किसको? चरण को। किसको बेच रहे हैं? चरण को। बेच दिया उसने, बेच डाल, उसने किसको सामान बेच दिया? चरण को। बिहार में जब तक सामान पहुंचे उसने सामान चरण में बेच, चरण को बेच दिया, क्योंकि वहां चरण की कॉल आ गई थी कि हमको सामान चाहिए, तो मैंने कहा मेरे यहाँ आएगा या बिहार में मेरे स्टोर रूम में जाएगा, चल तेरे को ही बेच देते, मैंने उसको सामान ट्रांसफर कर दिया ड्यूरिंग द मूवमेंट। बाबू सेल द गुड्स बाय ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू द गुड्स टू चरण ऑफ बिहार एंड अनरजिस्टर्ड डीलर, सेल इज टैक्सेबल अगेन। पहली सेल गुजरात से हरियाणा टैक्सेबल लिखा है चार्ट में बना है, फिर देखे हरियाणा से बिहार टैक्सेबल, क्योंकि बिहार का जो बंदा है वो रजिस्टर्ड बंदा नहीं है। सामान डायरेक्ट पहुंच गया यहां से कहां? बिहार। मूवमेंट डायरेक्ट हो गया गुजरात से बिहार कि पहले हरियाणा भेजो फिर बिहार भेजो ना, मैंने तो इसको बोल दिया था तुमको बिहार में ही भेजना है, सामान तो मेरे नाम से कटा था, मैंने उसको कहा था बिहार में भेज देना, सामान तो किसके नाम से कटा था? हरियाणा के नाम से, CST लग गया था। अब जब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मैंने चरण के नाम से बिहार के नाम से काट दिया तो सामान तो बिहार में ही पहुंचा, चरण ने ही लिया, लेकिन वो अनरजिस्टर्ड डीलर है, फिर से CST हो गया। क्या माना जाएगा, सामान गुजरात से बिहार को सेल हुआ है या हरियाणा से बिहार को सेल हुआ है?
हरियाणा से बिहार को सेल हुआ है, क्योंकि सामान का सेलर कौन है? हरियाणा। परचेजर कौन है? अब बिहार। बात खत्म, क्लियर है? बोलो भाई। तो ये कन्फ्यूजन मत लेना कि सामान तो डायरेक्ट आ गया था, लेकिन सेल दो बार हो गई। सेल कितनी बार हो गई? दो बार हो गई। पिज्जा वाला जब तक मेरे घर में पिज्जा लेकर पहुंचा, तब तक मेरे दोस्त का फोन आ गया, मेरे यहाँ पार्टी है, पिज्जा बुक है। मैंने कहा मेरा ले लो, मैंने पिज्जा वाले को फोन कर दिया, उसके यहाँ पहुंचा दिया, तो सेल हो गई ना, मैंने भी सेल कर दिया ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो भाई, कोई दिक्कत हो तो बोलो। नो CST ऑन सेल ऑफ फॉरेन मिशन और UN। अगर आप UN को या फॉरेन मिशन या काउंसलेट्स को आप सेल करते हैं तो उस पर CST नहीं लगेगा। अगर फॉरेन काउंसलेट, मान लो अमेरिकी विभाग, अमेरिकी दूतावास जो हिंदुस्तान में ही दिल्ली में है, दिल्ली में है, वो कॉल करके कोई सामान मंगवाता है हरियाणा से, गुजरात से, सामान निकला गुजरात या हरियाणा से फॉरेन काउंसलेट के लिए, अब चाहे उसके पर्सनल पर्पस के लिए हो या किसी और पर्पस के लिए, वो टैक्सेबल नहीं होगा, उस पर CST नहीं लगेगा। देखें, नो CST इज पेबल ऑन सेल ऑफ एनी गुड्स मेड बाय अ डीलर इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स टू एनी ऑफिशियल और पर्सनल और काउंसलर और डिप्लोमेटिक एजेंट ऑफ एनी फॉरेन डिप्लोमेटिक कमीशन और काउंसलेट इन इंडिया, इन इंडिया, अंडरलाइन कर लें, और द यूनाइटेड नेशन और एनी अदर सिमिलर इंटरनेशनल बॉडी इन इंडिया एंटाइटल्ड टू प्रिविलेजेस अंडर द एनी कन्वेंशन और एग्रीमेंट टू विच इंडिया इज अ पार्टी और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बींग इन फोर्स इफ सच ऑफिशियल पर्सनल काउंसलेट और डिप्लोमेटिक एजेंट एज द केस में बी हैज परचेज सच गुड्स फॉर हिमसेल्फ, अंडरलाइन कर लें, और फॉर द पर्पज ऑफ सच मिशन और काउंसलेट और फलाना एंड डिमाका। क्लियर है? पक्की बात है? तो UN के ऑफिसेज में एजेंट्स को या काउंसलेट को फॉरेन मिशन के फॉरेन डिप्लोमेटिक ऑफिस में अगर हम सामान बेचते हैं इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स, तो उस पर CST पेबल नहीं होता। तीन चीज़ों पर CST पेबल नहीं होगा। एक तो पेनल्टीमेट सेल्स फॉर एक्सपोर्ट, दूसरा नो CST ऑन सब्सिक्वेंट सेल्स टू रजिस्टर्ड डीलर, और लास्ट फॉरेन काउंसलेट या UN, दैट्स इट। याद रहेगा ये पक्का? रिवीजन करें इसको, दो मिनट पढ़ें। नेक्स्ट टॉपिक देखें, दैट इज योर इंटर स्टेट सेल। अब जा करके हमको समझ में आएगा कि इंटर स्टेट सेल होता क्या है क्लियर कट मैनर में। इधर देखें, अगर गुजरात का एक बंदा एक्स जो सेलर है, UP का एक बंदा मिस्टर वाई इसको डायरेक्ट करता है कि मेरे गुजरात ऑफिस में सामान सेल कर दो, बताओ ये इंटर स्टेट ट्रेड है या नहीं? ये इंटर स्टेट ट्रेड है या नहीं? ये इंटर स्टेट ट्रेड है ही नहीं, वो इसलिए कौन सा सामान का मूवमेंट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हुआ है, मूवमेंट का होना एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जरूरी है। मेन जिस्ट तो वही है, CST तब लगता है जब एक सामान का मूवमेंट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो। ये मैंने एक बार नहीं 50 बार बोला है। अब क्लियर हुआ मूवमेंट का मतलब क्या है? ये एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 1.98, साफ साफ देखें तो गुजरात के वापी ने गुजरात के सूरत में ही
ए जो सेलर है बी को भेजा, माल बेच दिया, किसके कहने पर? लखनऊ के कहने पर। क्लियर है? यानी सामान खरीदा लखनऊ के बंदे ने गुजरात से, लेकिन सामान का मूवमेंट हुआ ही नहीं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। मूवमेंट का होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? तो यहां पर सेल ऑफ गुड्स फ्रॉम ए टू बी इज नॉट एन इंटर स्टेट ट्रेड। सोचो, सामान गुजरात से लखनऊ आ गया मालिकाना हक, लेकिन सामान नहीं आया, क्योंकि सामान कहाँ रह गया? गुजरात में, उसी बायर जो लखनऊ का बायर है उसी के ऑफिस में रह गया, तो मूवमेंट नहीं हो पाया। क्या बोले? मूवमेंट नहीं हुआ। एग्जाम्पल नंबर वन देखें। अब क्लियर हुआ कहने का मतलब क्या है मेरा? मूवमेंट होना जरूरी है, मूवमेंट होना। एग्जाम्पल नंबर वन, गुजरात से, स्टेप वन में पढ़ रहा हूं, बी ने डायरेक्ट किया ए को कि सामान डिस्पैच करो मुंबई में, और बी कहाँ का है? बी कहाँ का है? गुजरात का। बी कहाँ का है? गुजरात का। बी कहाँ का है? और सेलर वापी कहाँ का है? गुजरात का। सोचो, गुजरात के ही एक बंदे ने गुजरात के ही एक सेलर को कहा कि सामान उठाओ और मुंबई मेरी ऑफिस भेज दो। अब गुजरात में तो मुंबई है नहीं, तो सामान का मूवमेंट कहाँ से होगा? गुजरात से मुंबई को। क्या इंटर स्टेट सेल हो गया? हाँ, बिल्कुल सही है। जरा देखो, सेल ऑफ गुड्स फ्रॉम ए टू बी इज एन इंटर स्टेट ट्रेड, क्योंकि मूवमेंट हुआ है सामान का। क्या हुआ है? भले ही बायर और सेलर दोनों एक स्टेट में हैं, लेकिन सामान तो मूव हो गया, बॉर्डर को क्रॉस कर गया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? बंदा या सामान? टैक्स किस पर लगाना है, सामान पर या बंदे पर? सामान तो सामान जहां जहां घूमेगा, टैक्स भी वहीं वहीं घूमेगा। एग्जाम्पल नंबर टू देखें। स्टेप वन, बी ने कॉल किया ए को, यूपी से कॉल गई गुजरात में और कहा गया सामान सेल करो यूपी में। आ गया सामान यूपी में, क्या दिक्कत है? ये इंटरेस्टेड ट्रेड तो है ही। तीनों एग्जाम्पल समझ में आए? पक्की बात। अब जरा हम इसकी थ्योरी पढ़ने की कोशिश करते हैं, बहुत आसानी से अब समझ में आएगी जो इंटर स्टेट सेल की थ्योरी दी हुई है। इंटर स्टेट सेल्स अंडर सेक्शन थ्री। अब तुम लोग के सामने दो चीज़ें मुंह आकर के खड़ी हो जाएंगी, पहला मूवमेंट और दूसरा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। अब तो समझ में आई बात? मूवमेंट और दूसरा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। इंटर स्टेट सेल्स अंडर सेक्शन थ्री, डायरेक्ट इंटर स्टेट सेल्स, जो तुम लोगों ने पॉइंट नंबर टू देखा, एग्जाम्पल नंबर टू देखा, डायरेक्ट इंटर स्टेट सेल्स, पॉइंट नंबर वन देखा, डायरेक्ट इंटर स्टेट सेल्स, एग्जाम्पल नंबर वन एंड टू। दूसरा, सेल बाय ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ओहो, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकता है गुड्स का, वो तो हम लोगों ने देख लिया, एंडोर्स कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स को दूसरे के फेवर में तो भी ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन मूवमेंट के दौरान होना चाहिए वो ट्रांसफर डॉक्यूमेंट के थ्रू। अब क्लियर हुआ? बोलो। एज पर सेक्शन 3A, इंटर स्टेट सेल्स टेक्स प्लेस इफ सेल्स ओकेजन द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। जब मूवमेंट हो सामान का एक स्टेट से, और ओकेजन, ओकेजन कब होगा वो देखना बाकी है। तुम लोग देख चुके हो, लेकिन इसमें देखना बाकी है। इन दिस रिगार्ड द फॉलोइंग पॉइंट्स और मेरिट्स कम कंसिडरेशन। द स्टेपुलेशन फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स आउटसाइड द स्टेट में बी ईदर एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान जाएगा। इट इज मैटेरियल इन विच स्टेट द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज पास्ड ऑन टू द बायर। ये बेकार की चीज़ है कि किस स्टेट में सामान का मालिकाना हक किसके पास रहेगा, वो बेकार की चीज़ है। सामान का मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्स के थ्रू भी सामान अगर जाएगा तो मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, और वैसे डायरेक्ट सेल होगा तो भी तो मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। वो तो डॉक्यूमेंट्स के टाइटल के थ्रू, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल के थ्रू हम केवल सामान का मालिकाना हक चेंज कर सकते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट। मूवमेंट ऑफ गुड्स शुड बी इंसिडेंट ऑफ सेल्स एंड शुड बी नेसेसिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स, दस इट मस्ट बी इंटरलिंक्ड विद द सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स होना चाहिए, नहीं कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज इररिलेवेंट। हवाई जहाज से भेजो, बस से भेजो, ट्रक से भेजो, ट्रेन से भेजो, सारी चीज़ें बेकार है। समुद्र बना करके भेजो, सारी चीज़ें इररिलेवेंट है। सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आना चाहिए। नीचे देखें,
द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, नोट बता दिया है, नोट नोट लिखा हुआ है, लिख ले मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मैंने बता दिया है इस चीज को पहले ही, वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स कमेंस एंड टर्मिनेट्स। याद आया कब मूवमेंट बिगिनिंग होगा और कब मूवमेंट टर्मिनेट होगा। इन द सेम स्टेट इट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय रीजन मेयरली ऑफ द फैक्ट दैट इन द कोर्स ऑफ सच मूवमेंट द गुड्स पास थ्रू द टेरिटरी ऑफ एनी अदर स्टेट। सामान हरियाणा से यूपी आ रहा था, चलो हरियाणा से हरियाणा में ही सेल हो रहा था, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर को टच करते हुए गया। किसको टच करते हुए गया? दिल्ली में एंट्री किया, फिर उसके बाद वापस हरियाणा में आया। बॉर्डर मैच है ना दोनों का, ये दिल्ली है और ये हरियाणा है। सामान यहाँ से यहाँ सेल करना है, सामान यहाँ से गया यहाँ पे बॉर्डर से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंट्री कर गया, इंटर स्टेट सेल है या नहीं? अरे इंटर स्टेट सेल नहीं है, जब सामान का मूवमेंट उसी स्टेट में है तो मूवमेंट कहाँ हुआ? इंटर स्टेट सेल में सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुँचना जरूरी है, सामान का पहुँचना जरूरी है। ओनरशिप किस स्टेट में है उससे मतलब नहीं है, मालिक भले ही यहाँ पे हो, परचेजर सेलर दोनों यहाँ पे हैं। देखो चेहरा बन गया, परचेजर और सेलर दोनों यहाँ पे हैं, परचेजर और सेलर दोनों यहाँ पे हैं, लेकिन सामान गया कहाँ? दिल्ली। तो क्या ये सेल हो गया? हाँ सेल हो गया, ये इंटरेस्टेड ट्रेड हो गया। क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं है ना? पक्का? और लिखा भी हुआ है। पॉइंट नंबर बी, ये तो हमने तीनों एग्जांपल डायरेक्ट सेल के देखे, अब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के थ्रू जो सेल होती है जरा उसको भी देख लेते हैं, इंटरेस्टेड सेल। पॉइंट नंबर बी, एग्जांपल नंबर थ्री के बाद, अ सेल और परचेज शैल बी डीम्ड टू टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स इफ द सेल और परचेज इज अफेक्टेड बाई अ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू द गुड्स ड्यूरिंग देयर मूवमेंट्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। बता दिया है, अब इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? देखें लास्ट पॉइंट, पेज नंबर 1.99 पर नीचे सबसे लिखा हुआ है कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, और उसके ऊपर लिख दे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। केवल स्टोरीज हैं, अब कुछ ज्यादा बचा नहीं है, केवल स्टोरीज समझनी है। हम लोगों ने आज दो ही चीज़ें देखी अब तक, एक्सेप्शंस देखे, तीन एक्सेप्शंस होते हैं इंटरेस्टेड सेल या ट्रेड और कॉमर्स के। पहला पेनल्टीमेट सेल्स बिफोर एक्सपोर्ट, पेनल्टीमेट सेल्स फॉर एक्सपोर्ट। दूसरा नो सीएसटी ऑन सब्सिक्वेंट सेल्स, और तीसरा यूएन और काउंसलेट फॉरेन एम्बेसीज को। क्लियर है? ये एक्सेप्शंस थे। फिर हम लोगों ने इंटरेस्टेड सेल्स को देखा, किसको देखा? इंटरेस्टेड सेल्स दो तरीकों से हो सकता है, डायरेक्ट सेल्स हो सकता है या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के थ्रू हो सकता है। क्लियर? अब जरा देखते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के थ्रू, वो भी देख लिया। अब हम लोग आ रहे हैं मूवमेंट कब स्टार्ट होता है और एंड होता है। वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ कैरियर, मैंने आते ही ये चीज़ रखी थी, कैरियर मतलब कौन? रेलवे स्टेशन, आते ही पहला एग्जाम्पल ही वही दिया था। वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ कैरियर ऑन और द अदर बेली फॉर ट्रांसमिशन, सामान भेजने के लिए जैसे ही सामान रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, डिटेल्स बनी, द मूवमेंट ऑफ द गुड्स शैल बी डीम टू कमेंस, मूवमेंट स्टार्ट हो गया, मेरे हाथ से सामान छूट चुका, अब रेलवे स्टेशन पर है, उनके हाथ में है, इसका मतलब मूवमेंट स्टार्ट, भले ही सामान यहीं पर है, इसी स्टेट में है, लेकिन मूवमेंट स्टार्ट हो गया। मूवमेंट क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। द मूवमेंट ऑफ द गुड्स शैल बी डीम टू कमेंस एट द टाइम ऑफ सच डिलीवरी एंड टर्मिनेट्स, टर्मिनेट कब होगा? जब दूसरे स्टेट या का रेलवे स्टेशन उसको अपने हैंडओवर मिलेगा, एंड टर्मिनेट्स एट द टाइम व्हेन डिलीवरी इज टेकन फ्रॉम सच कैरियर और बेली। क्लियर है? पक्की बात है? क्लियर है? यानी सामान वहां से दूसरे के पोजीशन में अब जाने वाला है तो टर्मिनेट हो जाएगा। दस एनी सेल बाई ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स आफ्टर द गुड्स आर डिलीवर्ड, यानी अभी रेलवे स्टेशन पर मैं सामान दे करके आया हूँ,
और अभी वहाँ से निकला नहीं है, दूसरे रेलवे स्टेशन से वहाँ से अभी सामान गया नहीं है, उस स्टेशन पर ही पड़ा हुआ है, और इतने में मैंने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के पीछे इंडोर्स करके सामान दूसरे को बेच दिया, तो वो क्या कहलाएगा? सब्सिक्वेंट सेल्स। अब क्लियर हुआ, उसको हम क्या कहेंगे? सब्सिक्वेंट सेल्स। लेकिन अगर वहाँ का बंदा उस सामान को छुड़ा चुका, रेलवे स्टेशन से अपने पोजीशन में ले चुका, भले ही रेलवे स्टेशन पर खड़ा है, लेकिन उसने अपने हाथ में हैंडओवर ले लिया सामान, और उसके बाद अगर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर होता है, तो भैया फिर से वो सेल हो गया, चाहे अब रजिस्टर्ड को करो चाहे अब अनरजिस्टर्ड को करो। कहानी समझ में आई? वर्ड लिखा हुआ है, देखो कितना साफ साफ लिखा हुआ है, डज। सोचो तुम लोग की स्टडी मटेरियल ने कितने क्लियर कट हर चीज को समझाया है, इतना बढ़िया सीएसटी तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला। डज एनी सेल बाई ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू द गुड्स आफ्टर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ कैरियर बट बिफोर फिजिकल डिलीवरी, अंडरलाइन कर लो, फिजिकल डिलीवरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बट बिफोर द फिजिकल डिलीवरी ऑफ सच गुड्स इज टेकन एट द फाइनल डेस्टिनेशन वुड बी टर्म्ड एज इंटरस्टेट सेल। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेना तुम लोग, बिल्कुल आसान सा है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, अगर हम इंटर स्टेट स्टॉक ट्रांसफर करते हैं, मेरी ऑफिस गुजरात में भी है, मेरी ऑफिस यूपी में भी है, मैं अपने यूपी के ऑफिस से गुजरात में सामान ट्रांसफ़र करता हूँ, पहली चीज़ मैंने गुजरात में अपना एक कंसाइनमेंट एजेंट फिक्स रखा है, कर रखा है कि सामान आएगा उसको बेचने का काम तेरा, मैं यहाँ से सामान गुजरात में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ यूपी से गुजरात में, और उस कंसाइनमेंट एजेंट के पास ट्रांसफ़र कर रहा हूँ ताकि वो अपने हाथ में लेकर सामान को बेचे, तो मैं स्टॉक ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मैं सेल थोड़ी कर रहा हूँ, तो क्या गुजरात में सामान पहुँचना सेल हो गया या नहीं? नहीं हुआ, क्योंकि जब मैंने सेल की डेफिनेशन पढ़ाई थी, वन पर्सन टू अनदर, एक आदमी अपने आप को सामान नहीं बेच सकता फॉर कंसिडरेशन, बोला था चाहे कैश में चाहे डेफर्ड पेमेंट्स में चाहे वैल्यूएबल कंसिडरेशन, दोनों यहां पर कंडीशंस मिसिंग हैं, तो सेल कहां हुआ? भले ही सामान का मूवमेंट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हुआ, ओनरशिप नहीं गई, ओनरशिप अभी भी मेरे ही हाथ में है। किसके हाथ में है? केवल सामान का फिजिकल ट्रांसफ़र हुआ है, ओनरशिप नहीं ट्रांसफ़र हुई, स्टॉक ट्रांसफ़र हुआ है, इसको हम इंटरस्टेट सेल नहीं मानेंगे। अब क्लियर है? बोलो भाई। और इसके लिए डिटेल्स सबमिट करनी पड़ती हैं सेल्स टैक्स अथॉरिटीज़ के पास, कि हमने ये देखिए मेरा फॉर्म, हमने ये फॉर्म में शो किया है कि मेरा यहाँ स्टॉक कितना है और दूसरी ऑफिस में स्टॉक कितना गया है। अब क्लियर है? ज़रा देखें, इंटरस्टेट स्टॉक ट्रांसफ़र या कंसाइनमेंट ट्रांसफ़र, समटाइम्स अ डीलर, उसको हम इंटरस्टेट सेल नहीं मानेंगे, तो पक्का हो गया ना, ख़त्म है। Sometimes a dealer sends the goods to his consignment agent in another state so that the goods are sold by the agent in that state on his behalf. तो हम लोग जानते हैं। Similarly, a dealer may send the goods to his own branch or depot in another state from where such goods can be sold. आप एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर करते रहो, वो स्टॉक ट्रांसफर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सेक्शन 6A अप्लाइज टू अ सिचुएशन वेयर द गुड्स आर सेंट बाय अ डीलर आउटसाइड द स्टेट टू हिज अदर प्लेस ऑफ बिजनेस और हिज एजेंट और प्रिंसिपल इन अदर स्टेट। इन द अफोरसेड केसेस ऑल्दो गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर तो हुआ है, द प्रॉपर्टी इन गुड्स डज नॉट पास फ्रॉम प्रिंसिपल टू एजेंट, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ। क्लियर है? ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ। दस देयर इज नो सेल एंड कंसिक्वेंटली नो सीएसटी इज पेबल प्रोवाइडेड देयर वॉज नो एनी प्री एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। ओके, अगर मेरे एजेंट ने बोला यूपी का सामान गुजरात जा रहा है और मेरे एजेंट ने वहाँ एक एग्रीमेंट कर रखा है किसी बंदे के साथ कि सामान आ रहा है मैं तेरे को सामान बेच दूंगा, सामान आ रहा है तो तुमको क्यों बेचेंगे, सामान आ रहा है तो सामान तुमको बेच देंगे, पक्की बात है। ये अगर इस तरह का एग्रीमेंट उस एजेंट ने वहाँ पर गुजरात में ऑलरेडी कर रखा है
तो उसको हम इंटरेस्ट रेट सेल्स या ट्रेड या कॉमर्स मानेंगे। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है तो केवल वो स्टॉक ट्रांसफर है। पक्का? द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट मूवमेंट ऑफ गुड्स वॉज ओकेजन नॉट ओनली बाय द रीजन ऑफ द सेल्स इज ऑन द ट्रांसफरर, जो ट्रांसफर कर रहा है उसके ऊपर ये एक प्रूव करने का क्या है मौका दिया जाएगा। और किस फॉर्म के थ्रू? ना फॉर्म पढ़े, फॉर्म एफ। देखें ये चार्ट बना हुआ है फिर आपके पास 101 पेज पर, ये पेज नंबर 1.101। स्टॉक ट्रांसफर और कंसाइनमेंट ट्रांसफर कैन बी ऑफ स्टैंडर्ड गुड्स विच कैन बी सोल्ड ऑफ द शेल्फ, ठीक है। द बर्डन टू प्रूव दैट द इंटरेस्ट रेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स इन स्टॉक ट्रांसफर लाइज ऑन द डीलर एंड नॉट ऑन द डिपार्टमेंट, डीलर के ऊपर है यानी जो सामान सेल कर रहा है। फॉर द पर्पज ही हैज टू सबमिट अ डिक्लेरेशन ऑप्टेंड फ्रॉम द ब्रांच और एजेंट इन फॉर्म एफ। ये फॉर्म कहाँ से लाएगा? उस एजेंट से मांगेगा या अपनी ब्रांच से मांगेगा? भैया हमको यहाँ पर फॉर्म एफ भेजो कि तुम्हारे पास जो सामान पड़ा हुआ है वो मेरे यहाँ से आया हुआ है। वो वहाँ से डिक्लेरेशन मेरे पास भेजेगा, मैंने ही भेजा था, और वो वहाँ से डिक्लेरेशन हमको भेजेगा कि हाँ मेरे पास सामान रखा हुआ है, आपका ही है, स्टॉक ट्रांसफर हुआ था मेरे पास। वो जैसे ही फॉर्म आएगा हमको वो सबमिट कर देना पड़ेगा सेल्स टैक्स अथॉरिटीज़ को। फॉर्म एफ हैज़ टू बी कलेक्टेड कवरिंग वन मंथ ट्रांजेक्शन फ्रॉम द ब्रांच मैनेजर और कंसाइनमेंट, पूरे एक महीने के अंदर जितना भी सामान आया होगा पड़ा होगा। इफ एट द टाइम ऑफ इंटरेस्ट रेट स्टॉक ट्रांसफर, छोड़ दो, नीचे आप एग्जाम्पल पढ़ लें, नीचे एग्जाम्पल दिया उसको देख लें, और कोई डाउट हो तो पूछें। हो गया, समझ में आया? और देखें स्टेप वन स्टेप टू करके सब लिखा भी हुआ है। फैक्ट्री गुजरात है, ब्रांच मुंबई में है। बायर वॉज नॉट नोन एंड आइडेंटिफाइड, कोई भी ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है ब्रांच पे कि दूसरे को सामान सेल करना है, केवल सामान का डिस्पैच हुआ है एक जगह से एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर, वो इंटरस्टेट ट्रेड नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल नंबर टू देखें, देखें तमिलनाडु से, सॉरी वेवर सबमिटेड अलॉटमेंट कार्ड, छोड़ दें इस एग्जाम्पल को आप काट दें, इस एग्जाम्पल को आप काट दें, अलॉटमेंट कार्ड्स के बेसिस पर छोड़ दें। सेक्शन फोर भी आप छोड़ करके आगे बढ़ें, सेक्शन फोर छोड़ दें, सेल आउटसाइड द स्टेट। अब हम लोग आ रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर, हो सकता है एग्ज़ाम में आपके 4 से 5 नंबर का, देखें 5 सेक्शन 5 लिखा भी है, हो सकता है नवंबर के एग्ज़ाम में 5 मार्क्स की डेफिनेशन यही पूछ ले, सेल्स इन कोर्स ऑफ इम्पोर्ट एंड सेल्स इन कोर्स ऑफ एक्सपोर्ट। ओ हो सर आप हमको क्या पढ़ा रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं, लेकिन हमको ये तो पता हो कि इम्पोर्ट कब माना जाता है एक्सपोर्ट कब माना जाता है, तभी तो हम जान पाएंगे इंटरेस्ट रेट सेल कब माना जाता है, कब होता है। एग्जैक्ट क्लैरिटी तो हमें तब मिलेगी ना जब हमें इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट और विद इन स्टेट का मालूम हो, विद इन स्टेट का मालूम हो। इसीलिए विद इन स्टेट का मैंने पॉइंट छोड़वा दिया, सेल आउटसाइड द स्टेट, पहले जो छोड़वाया वो सेल आउटसाइड द स्टेट का छोड़वा दिया, तुम लोग पढ़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जानना जरूरी है सेल्स इन द कोर्स ऑफ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। चले सेक्शन 5 दिया हुआ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सेल्स इन कोर्स ऑफ इम्पोर्ट एंड सेल्स इन कोर्स ऑफ एक्सपोर्ट, सेल्स इन कोर्स ऑफ इम्पोर्ट एंड सेल्स इन कोर्स ऑफ एक्सपोर्ट। हम ऊपर की 7-8 लाइनें छोड़ देते हैं, लेकिन चले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेल्स इन कोर्स ऑफ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में बैकग्राउंड क्या कहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट खामोश है, कौन खामोश है? आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टिपुलेट्स दैट स्टेट कैन नॉट इम्पोज अ टैक्स ऑन द सेल और परचेज ऑफ गुड्स वेयर सच सेल और परचेज टेक्स इन द कोर्स ऑफ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। सीधी सी बात है, स्टेट गवर्नमेंट को तो कोई राइट है ही नहीं कि वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर क्या करे, टैक्स इम्पोज कर सके।
आर्टिकल 286 कन्फर्स द पावर्स ऑफ ऑन द पार्लियामेंट टू फॉर्मुलेट प्रिंसिपल्स फॉर डिटरमाइनिंग. अब एक सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो एक प्रिंसिपल्स बनाए कि कब किस सेल को हम सेल इन कोर्स ऑफ इंपोर्ट या सेल इन कोर्स ऑफ एक्सपोर्ट मानेंगे. क्लियर है? डेफिनेशन दी है पार्लियामेंट ने, उस पावर का यूज किया और डेफिनेशन दी सेल्स इन कोर्स ऑफ इंपोर्ट एंड सेल्स इन कोर्स ऑफ एक्सपोर्ट. कोई भी सेल सेल इन कोर्स ऑफ एक्सपोर्ट मानी जाएगी. नंबर वन, सेल ऑफ परचेज अकेजन सच एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट हुआ एक कंट्री से सामान दूसरी कंट्री के लिए मूव कर गया. ओकेजन का मतलब मूवमेंट स्टार्ट. क्लियर? दूसरा, सारी जो कंडीशंस हैं वो इंडिपेंडेंट हैं. और वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सेल और परचेज इज इफेक्टेड बाय ए ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. जब जब ट्रांसफर की बात आती है तब तब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी साथ में अटैच हो जा रहा है. जब जब ओकेजन की बात आ रही है, मूवमेंट की बात आ रही है, तब तब डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल भी अटैच हो जा रहा है. सेल और परचेज इज अफेक्टेड बाई अ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया. एंड द लास्ट, इट इज पेनल्टीमेट सेल्स, क्योंकि नो सीएसटी ऑन पेनल्टीमेट सेल्स. तो वो क्या है? क्योंकि वो एक्सपोर्ट है तो पेनल्टीमेट सेल्स पर भी सीएसटी नहीं लगता, उसको हम एक्सपोर्ट मान लेते हैं. सामान भले ही हिंदुस्तान से हिंदुस्तान को सेल हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को, लेकिन दूसरे स्टेट वाले ने एग्रीमेंट कर रखा है उस सामान को बेचने के लिए बाहर, तो ये जो हिंदुस्तान में ही सेल हो रही है लास्ट वन, वो पेनल्टीमेट सेल्स हो जाएगी, उसको भी हम एक्सपोर्ट मान लेंगे. इसीलिए उस पर सीएसटी नहीं लगाता, इसीलिए वो एक्सेप्शन था. क्लियर? तो तीन चीजें, अ सेल और परचेज ऑफ गुड्स शैल बी डीम्ड टू टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ एक्सपोर्ट इफ सेल इन द कोर्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स आउट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया ओनली इफ ओकेजन स्टार्ट हो चुका हो, मूवमेंट स्टार्ट हो चुका हो. दूसरा, सेल और परचेज इज अफेक्टेड बाई ए ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव क्रॉस्ड द कस्टम फ्रंटियर. क्रॉस्ड कस्टम फ्रंटियर का मतलब जब मैंने सामान कस्टम ऑफिस डिपार्टमेंट में जमा कर दिया डिलीवरी के लिए, अब सामान किसके हैंडओवर में है? कस्टम डिपार्टमेंट के लिए. इसका मतलब ओकेजन स्टार्ट हो गया. क्लियर? और उस मूवमेंट के दौरान अगर हम किसी दूसरे पार्टी को सेल करते हैं या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के थ्रू सेल करते हैं, या यहाँ से स्टॉक ट्रांसफर हो रहा था, मेरा विदेश में अपना ऑफिस है, हम ब्रांच को भेज रहे थे, लेकिन मेरे कस्टम ऑफिस में ही मैंने उस सामान का डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दूसरे के नाम ट्रांसफर कर दिया, तो भी वो क्या माना जाएगा? एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा. सेल और परचेज ओकेजनिंग द एक्सपोर्ट, पहली जो कंडीशन बताई थी ओकेजन, उसके बारे में डिफाइन किया हुआ है. इन सच अ केस देयर शैल बी अ सेल ऑफ गुड्स, पक्का है सेल होना तो कंपल्शन है, सेल होना चाहिए. सच सेल शैल ओकेजन एक्सपोर्ट इन्वॉल्विंग ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर एंड शैल बी बिटवीन टू पार्टीज ऑफ टू कंट्रीज. वही चीज़ है, दोनों पार्टीज के बीच में ही है, किसी ने अभी माल की छोड़ाया नहीं है. द फाइनल रिजल्ट ऑफ ट्रांसशिपमेंट शैल बी दैट द गुड्स हैव कम टू द रेस्ट इन अदर कंट्री. जरा देखिए, तो ये एंड करके लिखा हुआ है, तीनों कंडीशन साथ में पूरी होनी चाहिए. और नीचे उसी का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मुंबई से लेकर के लंदन. ए इंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विद बी एंड मूव्स द गुड्स आउट ऑफ द टेरिटरी ऑफ वाटर और टेरिटरी ऑफ इंडिया. इन दिस केस द सेल शुड बी डीम्ड टू हैव ओकेजन द एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स आउट ऑफ द टेरिटरी. छोड़ दो, जैसे ही वो कस्टम ऑफिस में डिपार्टमेंट में पहुंचा, कस्टम पोर्ट पर पहुंचा, वो सामान मान लिया जाएगा उसका ओकेजन स्टार्ट हो चुका है. क्लियर? सेल और परचेज अफेक्टेड बाई ए ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू द गुड्स. और इसमें देखें तो एक वर्ड पर ग्रे शेडेड वर्ड लिखा है आफ्टर, क्या बॉक्स बना हुआ है आफ्टर पे. और यही चीज आप दो पेज आगे पेज नंबर 1.108 पर देखें तो वहां पर ग्रे शेड बना हुआ है बिफोर वर्ड पे, वहां बॉक्स बना हुआ है बिफोर पे, यहां पर बना हुआ है किस पर, और वहां बना हुआ है बिफोर पे. आएगा तो मैं बताऊंगा क्यों, अपने आप समझ में आएगा.
सेल ऑफ परचेज अफेक्टेड बाई अ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स. इन सच अ केस सेल इज अफेक्टेड बाई अ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू द गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव क्रॉस्ड द कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया. क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर का मतलब भले ही कस्टम डिपार्टमेंट में सामान पहुंच गया है, हमारे हाथ से निकल गया, भले ही वहां पर रखा हुआ है, ना वहां पर रखा हुआ है जहां पर पहुंचना चाहिए, या यहां पर रखा हुआ है जहां से निकलना है, जहां से मूवमेंट स्टार्ट होगा वहां रखा हुआ है, या वहां पर टर्मिनेट होगा वहां पर रखा हुआ है, लेकिन अभी डिलीवरी किसी ने ली नहीं है. वहां पर अगर है तो हम मान लेते हैं आफ्टर वर्ड लिखा है, इसके बाद जैसे ही वहां कस्टम स्टेशन पर सामान है, मैंने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के थ्रू सामान बेच दिया, कर सकते हैं. वहां सामान रखा हुआ है डेस्टिनेशन पॉइंट पर कस्टम ऑफिस में, मैंने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के थ्रू सामान बेच दिया, हाँ एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया. जरा देखें नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है गुजरात और लंदन का, ब्रांच है, मैंने ब्रांच को सामान बेचा क्या, ट्रांसफर किया, मैंने स्टॉक ट्रांसफर किया है, बेचा नहीं है, मैंने भेजा है, बेचा नहीं है, भेजा है, सेंड किया है. ए शिप्ड द गुड्स फॉर ट्रांसफर टू हिज ब्रांच इन लंदन, अपना कुछ सामान शिप्ड कर दिया. आफ्टर द गुड्स आर लोडेड ऑन शिप, सामान जब शिप पर लद गया यानी कस्टम फ्रंटियर में आ गया, मूवमेंट स्टार्ट हो गया, जब वो मूवमेंट स्टार्ट हो गया, ए गॉट एन ऑर्डर, ए को ऑर्डर मिल गया, वहीं लंदन से ही जा रहा था लंदन मेरी ऑफिस में, सामान सामान कहाँ जा रहा था, मेरी ही ऑफिस में, लंदन में जा रहा था मुंबई से. जैसे ही सामान लोड हुआ जहाज से जाने लगा, तब तक हमको लंदन से ही एक ऑर्डर आ गया, यहाँ मेरी ऑफिस ने हमको फ़ोन करके बोला भैया हमको यहाँ से ऑर्डर मिल गया, जल्दी सामान भेजो. मैंने तुरंत वो सामान उस बंदे को फ़ोन करके बोल दिया, देखो तुम्हारा सामान पोर्ट पर मिल जाएगा तुमको, मैं तुम्हारे नाम से डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल्स बना दे रहा हूँ, बात खत्म, क्लियर है. ए गॉट एन ऑर्डर फ्रॉम अ कस्टमर इन लंदन फॉर द सेड गुड्स, सो द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू सेड गुड्स वॉज इंडोर्स इन द फेवर ऑफ द सेड कस्टमर. In this case, the sale would be deemed to be sale in course of export, affected by transfer of documents of title, and as such would not be liable to CST. ये क्या जाएगा? इस पे CST नहीं लगेगा, इस पे कस्टम ड्यूटी लगेगी. क्लियर है? हाँ बोले बोले, आ रहे हैं. ये बच्चा बोल रहा है कि सर वो केवल स्टॉक ट्रांसफर कर रहा हो तो CST लग जाएगी. अरे CST में अपने आप को सामान नहीं बेचा जाता, एग्रीमेंट होना चाहिए, स्टेट चेंज होना चाहिए, इंडिया की टेरिटरी में होना चाहिए बेटा, ये बाहर की टेरिटरी है. कस्टम क्या, तो ये आज क्यों पूछ रहे हो? जब कस्टम ड्यूटी पढ़ेंगे तो ये बताएंगे ना, हम तो ये आज नहीं पढ़ा रहे ना. ये बच्चा कह रहा है कि सर कस्टम ड्यूटी लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी, अभी उसको नहीं ना पढ़ रहे, आएगा, कस्टम एक्ट है तुम लोगों में ना. चल तीन पॉइंट्स ये जो नीचे सर्किल बना हुआ है देख लेते हैं, केवल देखना है, अदरवाइज हो चुका है ये. सेल टू अ फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया इज नॉट अ सेल, हमारे पास कोई टूरिस्ट आया, कह रहा है हमको ये सामान चाहिए, मैंने बेच दिया तो एक्सपोर्ट कर दिया मैंने, नहीं एक्सपोर्ट नहीं है. सेल इन कोर्स ऑफ एक्सपोर्ट इज एग्जेम्प्ट इवन इफ मेड बाई एन अनरजिस्टर्ड डीलर, अगर कोई अनरजिस्टर्ड डीलर यहाँ का बंदा विदेश में सामान बेचता है तो क्या वो CST लग जाएगा? ना, क्योंकि सेल्स इन कोर्स ऑफ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट डन बाई रजिस्टर्ड डीलर और डन बाई अनरजिस्टर्ड डीलर इज इररेलेवेंट. क्लियर है? लास्ट, द गुड शुड बी डेस्टाइंड टू फॉरेन कंट्री इवन दो एक्चुअल रीचिंग ऑफ डेस्टिनेशन इज नॉट नेसेसरी, यहाँ से सामान निकल चुका हो विदेश के लिए. देखें पेनल्टीमेट सेल्स फॉर एक्सपोर्ट, मैं बता चुका हूँ ये चीज़ पहले ही पढ़ा दी है. पेनल्टीमेट सेल इज द सेल प्रीसीडिंग द सेल्स ओकेजनिंग द एक्सपोर्ट, हमें सामान का ऑर्डर मिला गुजरात से, हम यूपी में, गुजरात से ऑर्डर मिला और गुजरात वाले का पक्का है, एक ट्रांजेक्शन जो हो चुका है फाइनल हो चुका है US के साथ कि वो सामान जैसे ही मेरे यहाँ से लेगा उसको बेच देगा, तो ये जो सेल है हमारी यूपी से गुजरात ये पेनल्टीमेट सेल्स कहलाएगी, इस पर कोई CST नहीं लगेगा. बता दिया है?
तो इसको भी सच सेल वुड ऑल्सो भी डीम्ड टू बी द सेल इन कोर्स ऑफ एक्सपोर्ट, तो इस सेल को भी क्या मान लिया जाएगा, एक्सपोर्ट की सेल्स मान ली जाएगी। कंडीशंस आप लोग देख लेंगे, पढ़ा चुके हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब तक हम लोगों ने तीन चीज़ें देखी, सेल्स इन कोर्स ऑफ एक्सपोर्ट, पहला पॉइंट देखा मूवमेंट ओकेजनिंग, दूसरा देखा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, और तीसरा देखा पेनल्टीमेट सेल्स। पॉइंट नंबर डी, सेल्स इन कोर्स ऑफ एक्सपोर्ट का लास्ट पॉइंट एटीएफ, जरा देखिए, परचेज ऑफ एटीएफ बाय एनी डेजिग्नेटेड इंडियन कैरियर फॉर द पर्पस ऑफ इट्स इंटरनेशनल फ्लाइट डीम टू टेक प्लेस इन कोर्स ऑफ एक्सपोर्ट। अब सुनो ना, एक फ्लाइट खड़ी है मुंबई में, उसको जाना है लंदन, उसने वहां से एटीएफ भरवाया, मींस फ्यूल भरवाया, और उस एटीएफ को फुल फॉर्म होता है एविएशन टर्बाइन फ्यूल, अंडरलाइन कर लें एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जाहिर सी बात है बिना फ्यूल के तो जाएगा नहीं, पानी डाल दोगे तो उड़ेगा तो नहीं जहाज, तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल को उसने भरवाया और उसके बाद उड़ान भरी, कहाँ के लिए, लंदन के लिए। तो सामान एक्सपोर्ट हुआ या नहीं, एक्सपोर्ट हो गया ना, बेचा किसी को नहीं, खुद कंज्यूम किया है, भले ही वो फ्लाइट इंडियन थी या इंटरनेशनल थी, मींस विदेश की विदेशी कंपनी की फ्लाइट थी या इंडियन कंपनी की फ्लाइट थी, उड़ान कहाँ के लिए भरी उसने, लंदन के लिए, वो एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा सेल्स इन कोर्स ऑफ एक्सपोर्ट। तो एटीएफ पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, सीएसटी नहीं लगेगा, उसको हम सेल्स इन कोर्स ऑफ एक्सपोर्ट मानेंगे, क्लियर है। लिखा हुआ है इफ एनी डेजिग्नेटेड इंडियन कैरियर परचेजेज एटीएफ फॉर द पर्पज ऑफ इट्स इंटरनेशनल फ्लाइट, सच परचेज शैल बी डीम्ड टू टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ एक्सपोर्ट, इन दिस रिगार्ड द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी कंसीडर्ड। पहला, सीएसटी एंड सेल्स टैक्स विद इन द स्टेट्स विल नॉट बी एप्लीकेबल, हमें मालूम है, हाँ या ना, एग्जेम्पशन इज अवेलेबल, एग्जेम्पशन इज ओनली अवेलेबल टू इंडियन कैरियर्स नोटिफाइड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड, सम ऑफ द डेजिग्नेटेड इंडियन कैरियर्स सो स्पेसिफाइड आर एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, जेट एयरवेज एंड स्पाइस जेट। एग्जेम्पशन इज अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ इंटरनेशनल फ्लाइट एंड नॉट द डोमेस्टिक फ्लाइट। अब मुंबई से यूपी के लिए उड़ान भरेगा तो छूट नहीं मिलेगी बेटा, वो सेल्स इन कोर्स ऑफ एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा, क्लियर है। जरा देखें सेल्स इन कोर्स ऑफ इम्पोर्ट, जस्ट इसका रिवर्स है, जब हमने सेल्स इन कोर्स ऑफ एक्सपोर्ट पढ़ाया था, फिर से पहली दो लाइनें पढ़ लेते हैं क्योंकि वही दो लाइनें फिर काम आएंगी, लेकिन थोड़े रिवर्स तरीके से। जो पॉइंट नंबर बी पढ़वाया था, पहला तो पढ़वाया था ओकेजन और दूसरा पढ़वाया था डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, वापस आते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल पर। इन सच अ केस सेल्स इज अफेक्टेड बाई ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स आफ्टर द गुड्स आर आफ्टर द गुड्स हैव क्रॉस्ड। लेकिन जब यही हम इम्पोर्ट की बात करेंगे, जब हम इम्पोर्ट की बात करेंगे तो आफ्टर की जगह क्या वर्ड यूज होगा, जरा देखें। इम्पोर्ट में पहला पॉइंट वही ओकेजन स्टार्ट हो चुका हो, वही मूवमेंट स्टार्ट हो चुका हो, और दूसरा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, उसी पर आते हैं। इन सच अ केस सेल्स इज अफेक्टेड बाई ए ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स बिफोर द गुड्स हैव क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया, यानी अभी भी इंडियन के कस्टम पोर्ट के अंदर अबाउंडेड वेयर हाउस में है। वेयर हाउस का मतलब जानते हो ना तुम लोग, गोडाउन, अभी भी कस्टम वेयर हाउस में है, सामान अभी छुड़वाया नहीं है, अभी हैंड ओवर नहीं लिया है, और उसके पहले ही क्या हो गया, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के थ्रू हमने दूसरे को बेच दिया, तो भी वो क्या माना जाएगा, सेल्स इन कोर्स ऑफ इम्पोर्ट। हमने सामान विदेश से मंगवाया, मेरी ऑफिस है वहां पर, यहां भी मेरी ऑफिस है, वहां से सामान चला मेरी ऑफिस में ही, आने के लिए सेल तो है नहीं, सेल इन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट तो माना नहीं जाएगा, सामान आया मेरे ही ऑफिस में आना था, लेकिन अभी कस्टम वेयर हाउस बॉन्डेड वेयर हाउस में रखा हुआ था, नींद बॉन्डेड वेयर हाउस में रखा हुआ था, कहाँ सामान रखा हुआ था, बॉन्डेड वेयर हाउस में, तब तक मैंने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के थ्रू ट्रेन सेल कर दिया, वो क्या माना जाएगा, सेल्स इन कोर्स ऑफ इम्पोर्ट, बिफोर हो गया ना, बाकी पढ़ा दिया, दैट्स इट। ये दो डेफिनेशन याद रखनी है आपको, सेल्स इन कोर्स ऑफ इम्पोर्ट एंड सेल्स इन कोर्स ऑफ एक्सपोर्ट, पांच सेक्शन नंबर 5 है, 5 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा।
वेयर हाउस दो तरह के होते हैं, पब्लिक वेयर हाउस और प्राइवेट वेयर हाउस। जब तुम लोग आओगे कस्टमर डिटेल में तो हम उसको देखेंगे, अभी हम लोग केवल वेयर हाउस वर्ड जाने तो ज़्यादा बेटर है। क्लियर है? बॉन्डेड वेयर हाउस का मतलब होता है जहाँ पर आप ड्यूटी पे करके ही सामान निकलवा पाएंगे, उसको हम बॉन्डेड वेयर हाउस बोलते हैं। फिलहाल अभी हम लोग उस पर नहीं जा रहे। सीएसटी रेट्स, नेक्स्ट टॉपिक है रेट्स। और कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, ये बॉक्स बना हुआ है, उतना कुछ देखने की जरूरत नहीं है। पेज नंबर 1.111, पेज नंबर 111 दिया है ना। अब जरा देखें क्या है सीएसटी रेट्स। नॉर्मल रेट्स दिमाग में सेट कर लो, कितना? नहीं भाई, जरा देखो दो, ये क्या होता है? दो ही ना होता है, हम यहाँ दो लिखे, वो नीचे से बोल रहा है पांच। देखो रेट्स ऑफ सीएसटी एट अ ग्लैंस, रेट्स क्या हैं? अगर विद इन स्टेट वो सामान बेचा जाता, देखें रेट्स ऑफ सीएसटी, रेट ऑफ टैक्स विद इन स्टेट, अगर ये स्टेट के अंदर ही सामान बेचा जाता तो ये लेस देन 3% है। मैं जो बोल रहा हूँ पहले सुन लोगे या पहले ही अपने क्वेश्चंस पुट कर लोगे? पहले पूरा तो कर लेने दो। रेट्स ऑफ टैक्स विद इन द स्टेट अगर 3% से, अगर वही सामान हम उसी स्टेट में बेचो तो क्या है? मैंने फर्स्ट डे ही बता दिया था तुम लोगों को, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कलेक्शन की, बताया था। लेवी तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है लेकिन कलेक्शन कौन करता है? तो आधा काम, तो आधा क्या, पूरा काम तो यही संभालता है, स्टेट गवर्नमेंट ही संभालता है ना टैक्स के कलेक्शन का, कि उसका डिपार्टमेंट अलग है, उसका डिपार्टमेंट अलग है, डिपार्टमेंट एक ही है। ठीक है, जरा ढंग से देखना। रेट्स ऑफ टैक्स विद इन स्टेट लेस देन 3%, अगर उसी स्टेट में सामान बेचा जाता और उसका टैक्स रेट 3% से कम है या 3% और मोर है, सुन लो, यानी 2% तक यहां आएगा, 2.5% तक यहां आएगा, 2.75% तक यहां आएगा, लेकिन 3% से कम है। तो कहा गया कि अगर हमने रजिस्टर्ड डीलर को सेल किया है तो क्या होगा, अनरजिस्टर्ड डीलर को सेल किया है तो क्या होगा? अगर रजिस्टर्ड डीलर को सेल किया है तो क्या होगा और अनरजिस्टर्ड डीलर को सेल किया है तो क्या टैक्स रेट लगेगा? अगर 3% से कम है तो भैया आप उसी स्टेट का लगा दो टैक्स रेट। दो प्रतिशत मान ले, दो मान ले, 3% से कम यानी दो, तो इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों तो बोल रहे हैं दो। जहां पर अनइक्वल है वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आएगी। 3% से अधिक है तो गवर्नमेंट कहती है ना भैया 2% से ज्यादा नहीं ले सकते। जब स्टेट गवर्नमेंट खुद कर रही है 2% 2%, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कहेगी हम भी 2%। स्टेट गवर्नमेंट कहती है 1% 1%, तो सेंट्रल गवर्नमेंट काहे से कहेगी 2%? सेंट्रल गवर्नमेंट का ही तो रूल लगाओगे कि स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का। जब स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स रेट, स्टेट गवर्नमेंट खुद कहती है कि हमारे स्टेट में ये सामान 2% की सेल्स टैक्स पर रहेगा विद इन स्टेट, तो ठीक है स्टेट रेट ही लगाओ, सीएसटी उसी रेट पर लगाओ जो स्टेट गवर्नमेंट का रेट है। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स रेट 2% से अधिक है यानी 3% या उससे अधिक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है किसी भी कंडीशन में हमारा रेट ऑफ टैक्स सीएसटी का 2% से अधिक नहीं रहेगा। तुम्हारा अगर 2 से कम है वो मुझे मंजूर है। बोलो, अगर स्टेट गवर्नमेंट का 2%
या उससे कम है तो हमें तुम्हारा मंजूर है, लेकिन अगर तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट का 2% से अधिक है तो मंजूर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट कहती है 2%, बशर्ते ये हमने किसको सामान सेल किया है, किसको सामान के सेल किया है, रजिस्टर्ड डीलर को, पक्की बात है। और इस केस में स्टेट, और इस केस में स्टेट, बोलो, अगर स्टेट गवर्नमेंट कहती है 5% तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी क्यों बेचा अनरजिस्टर्ड डीलर को, लगा दो 5%, हम भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ हो जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ हैं, अगर सामान स्टेट से गया है दूसरे स्टेट में किसी अनरजिस्टर्ड डीलर को तो जो स्टेट गवर्नमेंट का रूल है वही फॉलो करो, लेकिन अगर एक स्टेट से सामान गया है दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड डीलर को तो किसी भी कंडीशन में ये टैक्स रेट 2% से अधिक नहीं होगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट का उससे भी कम है तो वो कम वाला ही लगाओ। अब क्लियर हुआ, अब बोलो, पहले ही क्यों क्वेश्चन रख रहे थे, समझ में आया। नीचे एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, देखें कि यही सामान अगर रजिस्टर्ड डीलर को बेचा जाए तो क्या होगा, अनरजिस्टर्ड को बेचा जाए तो क्या होगा, दिया हुआ है, ढंग से देखें। पहला रेट है 0%, स्टेट गवर्नमेंट कहती है 0, तो सेंट्रल कहेगी अगर स्टेट गवर्नमेंट 0 बोलती है हम भी 0 बोलेंगे, अगर रजिस्टर्ड को बेचा गया है, अगर अनरजिस्टर्ड को बेचा गया है तो वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट का लगना है 0, अगर 1% है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी कि रजिस्टर्ड को बेचा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का 1% लगा दो स्टेट गवर्नमेंट का, और अगर अनरजिस्टर्ड को बेचा है तो स्टेट गवर्नमेंट का ही लगना है 1%। अगर 2% टैक्स रेट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ हैं, 2% लगा दो रजिस्टर्ड को बेचा है, अनरजिस्टर्ड को बेचा है तो भी स्टेट गवर्नमेंट का 2% लगा दो। अगर स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स रेट 3% है और सेंट्रल गवर्नमेंट का मैक्सिमम कितना हो सकता है 2%, अगर वो रजिस्टर्ड डीलर को बेचा गया है तो 2% लग जाएगा, देखें हाँ है ना, लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड को इंटरेस्ट रेट सेल किया गया है तो 3% स्टेट वाला लगेगा। अब क्लियर हुआ, हो जाएगा ये एग्जांपल कि नहीं हो पाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ टर्नओवर, सारी चीज़ें हो गई, हम लोगों ने देख लिया इंपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट क्या है, इंटरेस्ट स्टेट क्या है, विद इन स्टेट क्या है, सारी चीज़ें देख ली, टैक्स रेट्स क्या लगेंगे ये भी देख लिया, लेकिन अब देखना बाकी है कि सेल मानोगे क्या, कितनी सेल लेकर के चलोगे। मैंने 4 स्टेट में अलग अलग सेल की, हर CST का रेट अलग अलग है, और सेल्स में शामिल क्या क्या होता है और कौन कौन सी चीज़ें शामिल नहीं होती सेल की वैल्यू बताओ, तो उसके लिए बताया गया डिटर्मिनेशन ऑफ टर्नओवर अंडर सेक्शन 8A। टर्नओवर का डिटर्मिनेशन आप करेंगे कैसे, नींद आ रही है भाई साहब आपको, डिटर्मिनेशन ऑफ टर्नओवर, ऐसे लोगों के साथ जानते हो क्या करना चाहिए ना, ऐसे लोगों को कुछ सामान दे दो और कहो जाओ इसको बेच कराओ दूसरे स्टेट में, सब सीख जाएंगे आने जाने CST भरने में सब सीख जाएंगे, क्यों करें, हाँ डिटर्मिनेशन ऑफ टर्नओवर ये याद रखना, अगर स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि हमारे यहाँ सामान एग्जेम्प्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कहेगी हमारे यहाँ सामान एग्जेम्प्ट होगा, पहली चीज़ तो ये बैठा लो दिमाग में।
दूसरी चीज कि अगर एक रुपए का भी सामान सेल हुआ है इंटर स्टेट ट्रेड में तो टैक्स तो बनता है। यहां पर कोई थ्रेशहोल्ड लिमिट नहीं बनी हुई है छोटे व्यापारी और बड़े व्यापारी के लिए, छोटे बिजनेसमैन और बड़े भी, कोई लिमिट नहीं है, कोई एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है। आप जितना सेल करोगे इंटर स्टेट ट्रेड में आपको सीएसटी देना पड़ेगा, इवन अ सिंगल रूपी पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, क्या क्या चीज़ें सेल में से हटा दी जाती हैं? पहले तो जब मैंने तुमको सामान बेचा है उसमें एक्साइज ड्यूटी भी जुड़ी हुई है, जरा देखो कैसे, ये हटा सकते हैं ना, नोट कर लो, तुरंत नोट करो। चलो भाई, सीएसटी रेट्स तो जान गए, अब जरा देखते हैं टर्नओवर का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। भाई जो सामने वाला बंदा सामान बेच रहा है वो इनवॉइस के थ्रू भेजेगा, ठीक है ना। इनवॉइस कैसे होता है, ये होती है, मान लो तुमने कोई 100 यूनिट्स खरीदे 10 रुपए वाले 1000, इसमें एक्साइज ड्यूटी लग गई 10% प्लस, तुम लोगों ने अलग से फ्रेट जोड़ा हुआ है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट जोड़ी हुई है, डिज़ाइनिंग की कोई कॉस्ट जोड़ी हुई है, चैरिटी की कोई कॉस्ट जोड़ी हुई है, कुछ भी हो सकता है। अब या तो ये चैरिटी की कॉस्ट इसमें ऑलरेडी शामिल हो, हम अलग से दिखा रहे हैं, डिज़ाइन की कॉस्ट ऑलरेडी इसमें शामिल हो, नहीं हो सकता। जब टोटल वैल्यू आती है इसमें हम लोग जोड़ते हैं क्या, सीएसटी, और इसको हम लोग कहते हैं इनवॉइस प्राइस। ये इनवॉइस ही तो बना पक्का, यानी ये सीएसटी किन पर लगेगा। सबसे पहले तो जब हम सेल्स की बात करते हैं तो सेल का मतलब ये, मान लो आया 1500, तो 2% कितना आ जाएगा। अब बताओ सेल का मतलब क्या, सीएसटी को जोड़कर या सीएसटी को हटाकर? सीएसटी को हटाकर, तभी तो सेल प्राइस डिटरमाइन हुआ है, सेल प्राइस पर तो सीएसटी लगेगा। टैक्स को कैलकुलेट करना है, सीएसटी कैलकुलेट करना है तो सीएसटी जोड़कर कैलकुलेट करोगे, हटा करके। तो इस टोटल वैल्यू में से आप सीएसटी को हटा लें। अगर कोई डिस्काउंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कोई डिस्काउंट दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है ट्रेड डिस्काउंट तो वैसे ही अलाउड होता है, हमको अच्छी तरह मालूम, वो नॉर्मल बिजनेस की पॉलिसी होती है कि ट्रेड डिस्काउंट देना है, वो सेल वैल्यू नहीं मानी जाती। क्या नहीं मानी जाती, उसको भी हटा दिया जाता है सेल प्राइस डिटरमाइन करने के लिए, सेल्स वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए डिस्काउंट को हटाया जाता है। धर्मादा और चैरिटी अगर है तो सेल्स प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूड रहती है, क्योंकि सामने वालों को तो उसका अमाउंट देना ही देना है। अब मैं उस पैसे का क्या करता हूँ वो बात की बात है, लेकिन मैंने धर्मादा और चैरिटी के नाम पर पैसा लिया ना सामने वाले से, दैट इज टू बी इंक्लूडेबल इन द सेल्स प्राइस टर्नओवर।
तो जब भी आप टर्नओवर को डिफाइन करेंगे उसमें धर्मादा और चैरिटी जुड़ा रहता है, कोई दिक्कत नहीं, जुड़ा रहने दो, उस पर भी हम सीएसटी वसूलेंगे। एक्साइज ड्यूटी जुड़ा रहने दो, क्या दिक्कत है, एक्साइज ड्यूटी पर भी हम सीएसटी वसूलेंगे। किस पर? एक्साइज ड्यूटी भी इंक्लूडेबल होगा सेल्स प्राइस में। टर्नओवर के डिटर्मिनेशन में एक्साइज ड्यूटी जोड़े रहने दो, टर्नओवर के डिटर्मिनेशन में धर्मादा और चैरिटी जोड़े रहने दो, हटा दो सीएसटी को, हटा दो डिडक्शंस यानी कि ट्रेड डिस्काउंट को। बोलो, पैकिंग की कॉस्ट क्या कर रहे हो भाई तुम लोग, पैकिंग की कॉस्ट अगर रिटर्नेबल है तो हटा दो, नॉन रिटर्नेबल है तो जोड़ दो। अगर रिटर्नेबल है तो हटा दो, क्योंकि पैकिंग तो वापस हो जाएगा, उसकी कॉस्ट आज जुड़ी हुई है, कल पैसा वापस मिल जाएगा, हटा दो, रिटर्नेबल है तो हटा दो, और अगर नॉन रिफंडेबल है तो जोड़े रहने दो। पैकिंग कॉस्ट, डिजाइन कॉस्ट ऐड करो ना, क्या दिक्कत है, ऐड रहने दो, उसको एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ये देखिए सब पेज नंबर 1.114 में सब लिखा हुआ है, धर्मादा जोड़े रहने दो। वेटेड, वेट करने का, मान लो सामान मैंने तुमको बेचा, हाँ वेट भी कराना, देखते हो ना तुम लोग का क्या लगा रहता है, धर्म कांटा मालूम है उसको तो सामान ट्रक गई उस धर्म कांटे पर खड़ी हो गई, हाँ, और वहाँ से वेट आ गया, उस वेट में से ट्रक का वेट हटा दो, पता चल जाता है सामान का वेट कितना है, क्लियर है, तो इसको हम लोग कहते हैं धर्म कांटा पिक्चर का नाम नहीं बता रहा हूँ, सनीमा नहीं बता रहा हूँ तो वेइंग ड्यूज, अगर वेट करना एक पॉलिसी है, सामान हम बेच रहे हैं तो बिना वेट किए हम नहीं बेचेंगे, और सामान का पैसा सामने वाला वेट के अकॉर्डिंग ही देगा, तो शामिल रहने दो सेल्स प्राइस में इस वेटिंग ड्यू को, जो वेइंग ड्यूज है उनको शामिल रहने दो, धर्मादा को शामिल रहने दो। इंश्योरेंस चार्ज, बिना इंश्योरेंस के सामान बेचेंगे नहीं, शामिल रहने दो सेल प्राइस या टर्नओवर में। पैकिंग चार्जेस रिटर्नेबल हैं तो शामिल होने दो, क्यों नहीं, नॉन रिटर्नेबल हैं तो शामिल होने दो। डिस्काउंट शामिल नहीं, हटाएंगे, हटा देंगे, क्योंकि ट्रेड पॉलिसी के अकॉर्डिंग होता है तो उसको क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। एक्साइज ड्यूटी शामिल होने दो। गवर्नमेंट सब्सिडीज हटा दो, अगर पहले से ही फिक्स है कि इन चीज़ों पर गवर्नमेंट हमको 100% सब्सिडीज देती ही देती है तो हटा दो, क्योंकि उतना पैसा तो हमारा सेल टर्नओवर में आएगा ही नहीं। इंसेंटिव पे करेंगे सप्लायर को तो उसका सेल वैल्यू से क्या मतलब है, आखिर उसी सेल वैल्यू में से ही तो इंसेंटिव देते हैं कि अपनी जेब से देते हैं, सेल वैल्यू में शामिल रहने दो। डिज़ाइन चार्जेस शामिल रहने दो। रिटर्नेबल कंटेनर बता दिया शामिल नहीं होगा। और लास्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल, फ्री का सामान सेल करोगे तो वो सेल थोड़ी माना जाता है, जब सामान ही फ्री में है तो कौन सा टैक्स, हटा दो, क्लियर है। तो इस तरह से डिटर्मिनेशन होता है सेल का। अगर मैंने कहा कि सामान मैंने सेल किया है 210,000 रुपए में इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, सीएसटी रेट है 2% शामिल है, तो बताओ टर्नओवर कितना होगा, 210,000 डिवाइडेड बाई 102 × 2। सेल प्राइस जाननी है तो 100, सीएसटी जानना है तो 2। बोलो, ये तो तुम लोग जानते हो। अगर हर स्टेट में अलग अलग टैक्स रेट हैं तो सबकी टोटल अलग अलग सेल का कर लो, डिवाइडेड बाई 103 × 3, डिवाइडेड बाई 104 × 4, डिवाइडेड बाई 102 × 2, ऐसे, क्लियर हुआ, दैट्स इट। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पिक करें, इलस्ट्रेशन नंबर 1 5 मिनट लगेगा। देखें 92,50,000 की टोटल सेल है, इनवॉइस वैल्यू दी हुई है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। एक्साइज ड्यूटी उसमें शामिल है, रहने दो ना शामिल, हम तो पहले ही बोले हैं एक्साइज ड्यूटी को शामिल रहने दो, क्यों हटाओगे भाई इसको,
जो 92,50,000 उसमें 9 लाख शामिल है तो शामिल रहने दो। फ्रेट 1,50,000, अगर फ्रेट अलग से लिखा होता इनवॉइस में तो हम हटा देते। 1,50,000 का फ्रेट उसी में ही शामिल है, लेकिन 50,000 रुपए शायद अलग से लिखा हुआ है, नहीं 1 लाख रुपए शायद अलग से लिखा हुआ है, 50,000 अलग से नहीं लिखा है, लगा 1.5 लाख, लेकिन अलग से कितना लिखा हुआ है 1 लाख, 50,000 ऊपर में ही शामिल है, 92,50,000 में ब्रैकेट में नीचे लिखा हुआ है। अगर ये पूरा 1.5 लाख अलग से लिखा होता है इनवॉइस में तो हम पूरा हटा देते, पूरा हटा देते, फ्रेट को शामिल नहीं करते। जरा देखें पीछे जहां अभी मैंने डिटर्मिनेशन ऑफ टर्नओवर बताया जो पढ़ रहे थे, उसमें फ्रेट चार्जेस कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा है, देखें पेज नंबर 1.113 में लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ फ्रेट या डिलीवरी को हम लोग हटा देते हैं, इसको शामिल करते हैं केवल तब जब ये अलग से ना लिखा हो, लिखा हुआ है पेज नंबर 1.113 में, कॉस्ट ऑफ फ्रेट और डिलीवरी लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ फ्रेट और डिलीवरी इज इंक्लूडेबल, इसको शामिल कर लो सेल प्राइस में तब जब ये अलग से ना लिखा हो या FOR डेस्टिनेशन पर ना हो। फिलहाल यहाँ पर अलग से नहीं लिखा है जितना वो शामिल होने दो, जितना अलग से लिखा है उतना हटा दो। तो अलग से कितना लिखा हुआ है 1 लाख, उसको हटा दो, यानी 92,50,000 अब कितना बन जाएगा 91,50,000। पक्का? आगे देखें, इंश्योरेंस चार्जेस शामिल होने दो, क्या दिक्कत है। इंस्टॉलेशन मैंने कहा अलग से लिखा हो तो हटा दो, अलग से लिखा है 15,000, हटा दो इसको। तो 91,50,000 में से 15,000 हटाओगे कितना बचेगा 91,35,000, कितना बच गया। और डिज़ाइन चार्जेस भले ही सेपरेट लिखा हो लेकिन डिज़ाइन चार्जेस तो सेल मान ही जाती है, तो 91,35,000 टैक्स रेट कितना है अलग कर लो, 2% से होगा ना, अगर स्टेट गवर्नमेंट 5% कहती है रजिस्टर्ड डीलर को सेल है तो 2% आएगा, तो 91,35,000 को अलग कर लेते हैं। देखें आंसर आ गया डिवाइडेड बाई 102 × 2 CST आ गया, क्या दिक्कत थी भैया आंसर में, क्या दिक्कत थी, 2 मिनट का आंसर है, कुछ करना ही नहीं है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2, 3, 4 ये आपके होमवर्क रहेंगे, खुद ही करने हैं, कुछ हमको कराना नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं कराना है, 2-2 मिनट लगेंगे आपको करने में। सुन ले, एग्जेम्पशन फ्रॉम CST, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स रेट कम है सेंट्रल गवर्नमेंट से तो स्टेट गवर्नमेंट का प्रिवेल करेगा, यही तो बताया। अगर स्टेट गवर्नमेंट माफ़ी दे देती है किसी सामान पर कि मेरे ही स्टेट में सामान खरीदो बेचो माफ़ है पूरी तरह, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान पर टैक्स लगाने वाली, वही चीज़। अगर इंट्रा स्टेट पर स्टेट गवर्नमेंट ने 0 टैक्स लगाया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कितना लगाना पड़ेगा 0 इंटर स्टेट के केस में। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में माफ़ी दे रखी है, एग्जेम्पशन दे रखा है उस सेल को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी मजबूरी है कि उस सेल को क्या दे दे, माफ़ी दे दे। क्लियर? हाँ या ना? तो देखें लिखा हुआ है एग्जेम्पशन फ्रॉम CST, स्टेट गवर्नमेंट कैन ग्रांट एग्जेम्पशन बाई इशूइंग अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट और इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटर स्टेट सेल इफेक्टेड फ्रॉम द स्टेट सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। अगर ये कंडीशन पूरी हो जाए तो उस इंटर स्टेट ट्रेड पर भी हमारा टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्पशन होगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दे रखा है अपने स्टेट में। स्टेट गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट सच एग्जेम्पशन इज नेसेसरी फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, रजिस्टर्ड डीलर को सेल होना चाहिए, ये मैंने बार बार बोला है, और फॉर्म सी ले लिया जाना चाहिए, बात खत्म। फॉर्म सी जिसको मैंने सामान सेल किया है वहां से। कंडीशंस तैयार हैं? बोलो भाई। 3 कंडीशन है, पहला पब्लिक इंटरेस्ट में ज़रूरी समझा स्टेट गवर्नमेंट ने, दूसरा रजिस्टर्ड डीलर है और वहाँ से क्या ले लिया, फॉर्म से। एग्जेम्पशन फ्रॉम CST टू अ सेल टू अ यूनिट और डेवलपर इन SEZ, अगर मैंने उस दिन बताया था SEZ के बारे में बता दिया था कि SEZ होता इंडिया में ही है,
लेकिन मान लिया जाता है वो डिफरेंट आयरलैंड है, तो अगर मैंने SEZ यूनिट्स को सेल किया है तो भैया माफ़ करो ना, वो तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, उसको माफ़ करो, CST के दायरे से हटाओ। या तो मैंने जो SEZ को डेवलपर था, डेवलप करने वाला, जो SEZ यूनिट्स, पूरी यूनिट्स को बनाने वाला था, जिसने पूरा ग्राफ बनाया था, जो वहाँ पर काम करवा रहा है, यूनिट्स बनवा रहा है, तो SEZ यूनिट्स के डेवलपर को भी अगर मैं कोई सामान सेल करूँ, बिल्डिंग से रिलेटेड, मशीनरी से रिलेटेड, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, वो सब माफ़ है। तो चाहे आप किसी यूनिट को सामान बेचो वहाँ पे जो चल रही हैं, या उस SEZ के डेवलपर को सामान बेचो, माफ़ है। बोलो भाई। अ रजिस्टर्ड डीलर इन SEZ कैन ऑब्टेन गुड्स फ्रॉम आउटसाइड SEZ विदाउट पेमेंट ऑफ CST। लिखा हुआ है ना, खत्म हो गया, खत्म। एग्जेम्पशन दो ही लोगों को है, एग्जेम्पशन दो ही लोगों को है, जब स्टेट गवर्नमेंट समझे उचित तो माफ कर देगी, पब्लिक इंटरेस्ट में हो, रजिस्टर्ड डीलर को फॉर्म सी लिया जाना चाहिए, खत्म हो गया। दूसरा, SEZ यूनिट को सामान बेचो या SEZ के डेवलपर को सामान बेचो, वो भी वहां पर भी CST माफ, खत्म हो गया। लेकिन डीलर हमेशा क्या होने चाहिए, ये चीज दिमाग में जरूर बैठाना। CST हम लोग का क्या है, ओवर हो चुका है। उम्मीद करते हैं घर पे जाकर आप लोग इसको तैयार करेंगे, और रिवीजन में मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगता है। टोटल CST अगर आप रिवीजन करेंगे घर पे तो मैक्स इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स, हार्डली इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स। 2 से 3 बार जहाँ रिवीजन हो गया उसके बाद 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा ये। ठीक है, थैंक यू बच्चों।